हे अर्जुन, कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? राधा तुम सुबह आना, अभी तुम्हें ट्रेन नहीं मिलेगी। अरे पागल, सुबह सब जाके होंगे ना, तो मैं सुबह कैसे आऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आ जाऊंगा। ओके बाय। ओके ठीक है, चलो बाय। मालिक, मालिक, मालिक। ए, क्या हुआ? छोटी मालकिन फिर से घर छोड़ के भाग गई। मालिक, राधा के कमरे से ये चिट्ठी मिली है। पापा, मैं नहीं चाहती कि दीदी की तरह मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। माना कि हर बार लड़के को साथ ले आऊंगी ये कहकर मैं कभी नहीं ला पाई, लेकिन अब की बार मैं पक्का एक अच्छे लड़के के साथ ही घर लौटूंगी। क्या उसे? भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सोने की तरह फुल शाइनिंग शाइनिंग है। ए, क्या हुआ रे? पूरा शरीर सुन्न हो गया है भाई, ऐसा लग रहा है 440 वोल्ट का करंट लगा। सभी शांत लोग एक नंबर के डरपोक होते हैं, ये समझना बेवकूफी है। तूफान हमेशा आता है शांति से, पर जाता है हर तरफ अशांति फैलाकर। मैं शांत आदमी हूँ, ऐसी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। भेजा घूमने के बाद मैं सामने वाले का क्या हाल करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देना भूल गया लगता है। ए, अब मिलने आ ही गए हो तो खातिरदारी करने का मौका दो। क्या हो रहा है, कौन लफड़ा कर रहा है? हमें देखोगे तो किस्मत बदल जाएगी। पता है यहां रह के कैसे किस्मत बदलेगी? सुबह होते ही इन चारों के शक्लें देखनी पड़ती है हमें। सर, आपको तो सिर्फ शक्लें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे ना इनके क्या क्या देखने पड़ते हैं। ए, कपड़े उतार, चल चड्डी भी उतार, अंदर पता नहीं क्या छुपा कर रखा होगा। भगवान की देन के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। चल भाग, दुआरे, चल कपड़े उतार। अबे हल्का, तूने तो अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है रे। आप लोग उतरवा देंगे ये सोच के मैंने पहना ही नहीं सब। कौन सा केस है तेरा? लड़की बाजी का केस है, इसीलिए चड्डी वहीं पर भूल कर आ गया। सबूत के लिए बाहर ही उतरवा ली चड्डी। अबे तेरी जात का नालायक कहीं का, चल भाग।
जेल से छूटकर जा रहा है, कम से कम अब तो सुधर जा। हाँ सर। ये लो साइन करो, ये रख अपने पास। और सुन, पक्षी कभी गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन आदमी उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन इंसान खुद गुनाह करता है और यहाँ पर कैद हो जाता है। आज तो जेल से छूट रहा है, कम से कम अब तो मेहनत की रोटी कमाना सीख ले। यस सर, थैंक यू। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही सर, चलता हूँ सर। हाँ हाँ। सर, क्या है? मैंने सोचा था कि आपने मुझे यहाँ इतना सताया है, इसलिए मैं आपकी नौकरी खा जाऊं, लेकिन आपने ये जो पिंजरे पंछी वाली बात कही, ये मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है सर। तू मुझे काम से निकलवा सकता है क्या? हाँ सर। चल रास्ता पकड़। सर बुलेट पकड़िए। गन के अंदर से बुलेट तूने कैसे निकाली? बहुत चालू आदमी है तू तो। अब मैं पिंजरे से बाहर निकला हुआ पंछी हूँ सर, मैं बदल गया हूँ सर, चलता हूँ। देख लिया ना कैसे मेरी बात सुनकर कैदी लोग सुधर जाते हैं, है ना? अरे चेंज की बात छोड़िए सर, वो तो लेकर गया। अरे ये क्या, यही सर, मैं बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बालियों की बात कर रहा हूँ। अरे पकड़ो उसे। वो कहाँ आएगा सर? देवी माँ सबको खुश रखे, देवी माँ सबको खुश रखे। इतना भविष्य जानिए बहन जी, भविष्य जानिए। भाई 20 रुपए में अपना भविष्य जान लो भाई। ए 20 रुपए के लिए तू इतना भटक रहा है, बाकियों का भविष्य क्या बताएगा तू? भाई लक्ष्मी के दर्शन होंगे आपको, फिल्मी स्टाइल में बोलूं तो हीरोइन की एंट्री होगी आपके जीवन में। 20 रुपए दे दो बाबू। वाह, अगर एंट्री हुई तो खुश कर दूंगा, चल जा। अरे मेरी ट्रेन छूट रही है, कोई ट्रेन को रोको। भगवान मेरी ट्रेन। उसने तो कहा था हीरोइन की एंट्री होगी। ट्रेन को रोको। तो ये तो हीरोइन नहीं, इस प्रोड्यूसर की फिल्म में कुछ भी हो सकता है। चल चलो। और दादी शहर जाना है? हाँ बेटा। हीरोइन की एंट्री। हेलो। आ गई। स्टॉप। आजा, 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 आजा। अपना हाथ तो बढ़ाओ। थैंक यू। 3 घंटे जल्दी आ गई थी ना, तो स्टेशन पे ही आग लग गई थी। ओ, अकेली हो क्या? मजाक कर रहा था, आओ ना बैठ के बात करते हैं। ये तुम्हारी सीट है ना? बैठो ना। और बताओ। वैसे मेरा नाम राधा है। मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो फिलहाल सोने जा रहा हूँ। चोर चोर मेरा पर्स। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे यार, ये चोर को सभी चोरी नजर आते हैं। वो मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वो बैग से मेरा सोनी का कड़ा गिर गया ना, उसी को उठा रही थी। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये कड़ा है क्या? चोरों को पहनाने वाली हथकड़ी लग रही है। हाँ? ये हथकड़ी नहीं, ये कड़ा है। मुझसे जो शादी करेगा पापा उसे ये कड़ा पहनाएंगे। दरअसल मेरे घर वालों ने भगवान भैरवनाथ जी से ये मन्नत मांगी थी। घर वाले मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं आते, मुझे किसी और लड़के से प्यार है, इसलिए तो मैं ये लेकर भाग आई। मैं ये अपने लवर को पहनाऊंगी और उसे साथ घर ले जाऊंगी। अगर लड़कियां ये हिम्मत भाग जाने में दिखाने के बजाय माँ बाप को मनाने में दिखाएंगे ना, तो माँ बाप को कभी टेंशन ही नहीं होगी। तुम उन्हें मना कर शादी क्यों नहीं करती? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं रामपुर से हूँ, मेरे पापा का नाम राजवीर है। देखो नाम में राज भी है और वीर भी। अरे मॉडर्न नाम सिर्फ नाम के लिए होता है, मेरी बात मानो, नाम से इंसान की पहचान नहीं होती। देखो मेरे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है राम नारायण, लेकिन एक नंबर का ठरकी है वो। चाहो तो पूछ लो बाकियों से, नाम से पहचान होती है क्या? मेरा नाम संतान लक्ष्मी है, पर मेरी संतान ही नहीं है भाई। मेरा नाम कुबेर है, 10 रुपए दो ना भाई। ए भिखारी निकल। अरे अब जाने भी दो ना, ये लो ऑरेंज। अरे ये तुम मुझे ऑरेंज क्यों दे रही हो? मेरे बैग का ख्याल रखना, मैं अभी आई। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को छोड़ गई। बड़ा वजनदार है। बैग हिल कैसे गई? अब एक चिरकुट चंड अपने बाप से होशियारी। बड़ा माल हाथ लग गया, शादी के साथ हनीमून का भी बंदोबस्त हो गया। टाइम क्या हुआ? 12 बज गया। अच्छा टाइम है क्यों?
चल कड़ा दे। कौन सा कड़ा गुरु? अच्छा वो वाला कड़ा, वो तो गुरुद्वारे पर मिलता है। ये कंगन कौन हो भाई? बड़े कड़क खाते तुम्हारा। अरे भाई कड़ा दे दिया तो भी क्यों मार रहे हो? अरे रोको, अरे ट्रेन रोको। कहाँ चला गया? ओए रोको। लगता है ये अपनी बैग भूल गया, इसे बाहर फेंक देती हूँ। ओए रुको, ओए ट्रेन को रुको। हेलो, तुम्हारा बैग छूट रहा था, ये ले लो, बाय। अरे ये क्या, सुनो तो। अरे बेचारी अच्छे घराने की है, ऊपर से इसकी प्यार की कहानी भी है, क्या करूं। हेलो, कहाँ है अर्जुन बेटा? दादी आने में जरा लेट हो जाऊंगा, किसी काम से फंस गया हूँ। मैं जरा रामपुर जाकर राजवीर जी से मिलकर आऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, अब रामपुर जाना होगा। राजवीर जी का घर आ गया भाई, उतर जाओ। आ, आ गया क्या? ये गेट तो जेल जितना बड़ा है यार। कहीं भूत बंगला तो नहीं है? ये क्या, घर के सामने ही लाश की पेटी रखी है? ये कैसे दिन आ गए यार। इंसान के मरने के बाद पता चलता है कि वो कितना अच्छा था और उसकी हैसियत क्या है। बीवी बच्चे छोड़ो, छिरकुट ने कंधा देने के लिए चार आदमी भी नहीं कमाया, कितना फटीचर इंसान होगा यार। अब अपने को क्या कहते हैं, मरने वाला भगवान समान हो। कुछ फूल वूल रख देता हूँ। कहते हैं लाश देखना शुभ होता है। चलो जल्दी से काम निपटा कर चलता हूँ यहाँ से। खुश रहो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ए, दिन में तीन बार अगरबत्ती चलाने के लिए कहा तो एक ही बार चलाती है, मेरा कहा ठीक से माना कर, वरना मैं तुझे मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा, चटनी बना दूंगा। I am Undertaker, WWF 4 5 6 7 8 9 10। मैच ओवर। अरे अरे इस औरत को इतना मारेगा तो इसका पति तुझे आकर छोड़ेगा। पिछले ही हफ्ते उसे रॉयल रंबल फाइट में मार मार के सुला चुका। ओ। ए वो छोड़, तू कौन है ये बता। सर मेरा नाम अर्जुन है और मैं राजवीर जी से मिलने आया हूं। अच्छी बात है, काम बताओ। सर बहुत ही पर्सनल बात है, ये मान मर्यादा की बात है। मान मर्यादा वो तो मुझ में नहीं है, काम की बात कर। सर गांव में रहकर आप अंडरटेकर के गेटअप में रहते हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा, पर बुरा भी लग रहा है कि आप अंधे हैं। अरे आपकी तो आंखें, अरे मेढक की तरह दो बड़ी बड़ी आंखें हैं। सब कुछ है, मुझसे मजाक करने का अंजाम मैं तुझे यही दिखाऊंगा, मुझसे मजाक करना। नहीं सर। यू वेट, आई विल कम टू यू फॉर फाइट। तुम्हें किससे मिलना है बेटा? राजवीर जी से मिलना है। राजवीर, उसे तो मरे हुए 10 साल हो गए। तो फिर राधा ने मुझे क्या कहा? राधा, परसों ही तो हमने उसकी 11वीं बरसी मनाई है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वो लंबे बाल वाले अंडरटेकर भाई साहब। उसे तो मरे हुए 4 साल हो गए। इधर आ। क्या कहा दादी ने? मुझे मरे हुए 4 साल हो गए, राजवीर जी को मरे हुए 10 साल हो गए, यही ना? पति के मरने के बाद ऐसे ही पेश आती है मेरी गौरी दादी। दादी। मेरी गौरी दादी कहाँ चली गई? गौरी दादी? अरे वो तो तेरे बचपन में ही गुजर गई ना बेटा, बेचारी, उसका कोई अपना भी तो नहीं था। अच्छा, इस घर में 12 बच्चे जो हैं, वो क्या शमशान से पैदा इसके हुए? पीछे एक लंबी कहानी है। एक गांव में एक दादी रहती समझ थी गया, समझ और गया। उसकी दादी चुप रहो। ऐसे पूरे गांव को मार दोगी और खुद जिंदा रहोगी। यू कम। उनसे कोई परेशानी न हो इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है मालिक, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वही राजवीर जी हैं क्या? यस। स्ट्रिक्ट लगते हैं वो औरों के लिए।
इस वर्ल्ड चैंपियन अंडरटेकर के लिए नहीं। यू वेट, आई विल कम बैक। मैंने बैंक वालों से बात कर ली है, अगले साल देंगे तो भी चलेगा। अब आप जाइए। ठीक है मालिक। जी मालिक, चलते हैं मालिक। जीजू, ये देखिए मैं क्या। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है? देखो अर्जेंट बात करनी है, चलो बाद में आऊंगा, अभी जाओ। एक बार में सुना नहीं? ए बोला ना चलो। मैंने बोला ना बाद में आता हूँ, पागल हो गया क्या? मैं क्या कर रहा हूँ देख नहीं रहा? क्या कर रहे हो, चुपचाप खड़े ही तो बात कर रहे थे। मतलब ठीक है, बताओ क्या काम? गांव वालों से हमेशा अच्छे से बात करते हो और मैं जब बात करता हूँ तो... नमस्कार। हाँ नमस्ते। देखा मेरा रॉब? सर खून आ रहा है। मेरा खून नहीं है, मटन खाया था ना उसका है, थोड़ा सा लग गया होगा। सर आप मटन नाक से खाते हैं क्या? तुमने उसे चिल्लाते देखा? नहीं, बजाते वक्त। तुम मजाक ज्यादा ही करते हो। सब हमारे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास जमीन है ना हमारे पास खेत है, हम क्या करें मालिक? पुराने मंदिर के पास 3 एकड़ जमीन है मेरी, उसे लेकर नए जीवन की शुरुआत करो, सब ठीक होगा। ए भैरव, पुराने मंदिर के पास वाली जमीन ही नहीं दिखाकर वहाँ पत्थर रखवा दो। पत्थर रखने की नहीं, पत्थर से सर फोड़वाने की नौबत आ गई। क्या? भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है आप जाइए। सर आपके जीजू को मानना होगा, इतनी सारी जमीन इन्होंने खुशी से दान कर दी, ये सच में धर्मात्मा है। ये तुम्हें धर्मात्मा लगते? इसने ये सब कोई खून पसीना बहाकर या रात दिन एक करके थोड़ी कमाया है, दादा परदादा की कमाई है, पुश्तैनी जायदाद कोई यूं ही गंवा रहा है। ये तो दूसरों के पैसों पर ऐश करने वाली बात हुई। वो जमीन इनके नाम कर देना, ठीक है? नमस्कार मालिक। हाँ नमस्ते, बताइए क्या काम है? हमारी कोई संतान नहीं मालिक। ए भैरव, समझ गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है ना, उसे अभी ले जा करके अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से कहना इनके चेकअप के लिए मैंने कहा है। ये तुम्हारा भाई भी है ना? शांत हो जाइए ना। सर आपके जीजू के पास अगर मैं जाकर कहूँ कि मेरी शादी नहीं हुई तो अपनी बेटी से मेरी शादी करा देंगे क्या? हम चलते हैं मालिक। हाँ ठीक है, नमस्ते। वहाँ कोई आया हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ, सारे काम कर देना। कौन है ये? इसे तुमसे कुछ बात करनी है। सर मैं ये देने आया हूँ, राधा ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया है सर। अरे बाप रे, ये रिंग में उतरने के लिए ललकार रहे हैं। तू जो दे रहा है वो खड़ा नहीं है शाबू के, ये हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। शांत हो जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? जो होना था वो तो हो गया ना, आप मान जाइए ना। मैं क्यों मानूं? बात मानिए सर। मान लीजिए एक बेटी का बाप बनते ही एक बाप टाइम टेबल फिक्स कर लेता है, 3 महीने तक बराबर पोलियो पिलाता है, 3 महीने तक बराबर वैक्सीनेशन कराता है, सैकड़ों लोगों से पूछकर स्कूल में भर्ती करवाता है, 4 कॉलेज में घूमकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाता है, खुद किसी बड़े होटल में खाया हो या ना हो लेकिन अपनी बेटी को बड़े होटल में ले जाकर उसे जरूर खिलाता है, उसके कपड़ों की मैचिंग सैंडल के लिए पता नहीं हजारों दुकान उसके साथ घूमता है। ऐसे बाप को एक अच्छा दामाद ढूंढने का हक नहीं है क्या सर? आप बात मानिए सर, ये लीजिए, ये लौटाने आया था, लीजिए ना, चलता हूँ। रुको, इस घर में आदमी अपनी मर्जी से आता है लेकिन जाता मेरी मर्जी से है, मेरी बेटी के वापस आने तक तुम यहीं पर रहोगे। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा के आने तक इसका ख्याल रखना। हाँ। जाओ ले जाओ इसे। हाँ। सर मुझे बहुत काम है, ये आप क्या कह रहे हैं, आखिर बात क्या है? दामाद जी हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं, फाइट शुरू हो चुकी है। ई बहुत टेंशन में हूँ यार, धोखेबाज कहीं के, जल्दी आओ ना। बाय। सरप्राइज, कौन है बताओ? और कौन होगा, तुम ही हो, सामने आओ। सॉरी प्लीज डांटना मत। डांटो नहीं तो और क्या करूँ, रेलवे स्टेशन पे लेने आओगे कहकर यहाँ पर भी लेट आए हो। सॉरी राधा, तुम्हें सरप्राइज दूंगा सोचकर मैंने क्या क्या प्लान बनाया था, पर मेरे पापा ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया, सडनली मुझे किसी और काम पर भेज दिया। अगर तुम्हें बताता तो तुम चिल्लाती, इसलिए इंतजार करना अच्छा होगा, ये सोचकर चुप रहा। अपने सरप्राइज को अपने पास ही रखो। अच्छा नाराजगी छोड़ो, ये देखो
टन टडन। ए मेरा कड़ा, तुमने उस चोर को पकड़ के बहुत मारा ना। तुम भी ना। अरे मैं फाइट वाली फिल्में नहीं देखता तो ऐसी फाइट करूंगा क्या? तुमने व्हाट्सएप पर जो फोटो भेजा था ना, उसके रेफरेंस से मैंने डुप्लीकेट बनवा दिया। ओरिजिनल भी इसके सामने फीका है। अब तो खुश हो ना? अब इसे स्ट्रेट पापा के पास ले जाते हैं। हम शादी करना चाहते हैं कहकर उन्हें दे देना, मुझे बहुत खुशी होगी। फॉर अ चेंज पहले तुम उन्हें ये सरप्राइज दो। मैं? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड कड़ा लेकर आएगा, उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, ऐसा जाकर उन्हें बोल दो। और तुम? मैं बाद में फैमिली के साथ आकर सरप्राइज दे दूंगा। नहीं बाबा, हम दोनों साथ में चलेंगे। राधा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल रानीपुर में हमारे शर्मा एंड सन्स के नए ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी है। बस चार ही दिन में मम्मी डैडी काशी से लौट आएंगे, उसके बाद फैमिली के साथ आकर झट मंगनी और पट ब्याह कर लेंगे। देखो तुम जिसके साथ कहोगी उसके साथ वो तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार है, सो डोंट वरी, रिलैक्स। तुम बिंदास घर जाओ, मोस्टली तुम्हारे पापा ही तुम्हें कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। ऐसे चुप क्यों बैठी हो, कुछ भी ऑर्डर नहीं किया? ए, हमारी मैडम को कुछ खिलाओ भाई। माँ ये थाली लीजिए। कॉल किया क्या? अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है, मेरा फोन भी नहीं उठाया। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने मैसेज कर दिया है कि जल्दी घर आ जाए। वो कहाँ डरेगी, वो सिर्फ डराने के लिए पैदा हुई है। माँ ये मच्छर ना सोने भी नहीं दे रहे हैं, क्या करूं? संभाल के। ये तूने क्या पहन रखा है भाई? मुझे इसकी आदत हो गई है इसीलिए पहने रहता हूँ, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। जेल की ड्रेस के बिना? और ये नंबर? लकी नंबर। क्या सर, सब लोग सीधा सोते हैं और आप उल्टा सोते हैं क्या? अपनी जवानी को मेंटेन करने के लिए। चिंचा, चिंचा। जवानी ढले 20 साल हो गए ऐसा लग रहा है, और क्या मेंटेन करोगे सर? क्या सर, ऑलरेडी आपकी आंखें आधी बाहर आ चुकी हैं, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया तो आंखें गोटियों की तरह बाहर आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा सर। कोई भी इंसान सिर्फ एक ही बार कब्र में जाता है, पर आप रोज कब्र में जाते हैं, किस लिए? जिंदगी जीने वालों को ये 6x3 की कब्र जो है वो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर से देखो जिंदगी बहुत छोटी लगती है। नश्वर है सब, इंसान जो है रोज ही मरते रहते हैं, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा होकर कैसे आते हैं इसका उदाहरण दिया है मेरे गुरु बॉस अंडरटेकर ने। अरे बाप रे बाप रे बाप, एक दिन के मैच के लिए आप महीनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, मर के कब्र में जाकर वहाँ हजारों साल तक सोते रहते हैं, ये सब आप कहते हैं, ये आपका लॉजिक है ना? यस यस सर, दिखने में आप मेढक जैसे होकर भी कमाल की सोच रखते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट मम्मी, आई एम कमिंग टू स्लीप। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा, चिल्लाइए मत, बूढ़े हो गए सर, जान से मार दूंगा तुम्हें। सर 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 सर, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? धोखेबाज है ये आदमी। क्या किया तूने? चोर है ये, इसने फिर से चोरी की है, दोबारा धोखा दिया है इसने मुझे। ठीक है, कहा था चोरी नहीं करूंगा, मैंने जमानत पर छुड़वाया था और फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया ये। ठीक है ठीक है, अभी जाने दो, इसने मिट्टी में मिला दी। चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ेगा, गुस्सा छोड़ो, शांत रहेगा ये। ले जाओ इसे, ले जाओ, शांत चाहिए, बस करो, बस करो, शांत हो जाओ। पानी पियोगे? चाहिए, कितना गुस्सा करते हैं। कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दामाद जी, दामाद जी, मैं आपसे पूछना भूल गया। क्या? आप क्या काम करते हैं आपने बताया? मैंने कुछ कहा ही नहीं सर। छोड़िए ना, ये सब क्या है, दामाद से कोई ऐसे सवाल पूछता है क्या? कोई अच्छा ही काम करते होंगे। देखिए ना चेहरे से कैसे सभ्य, संस्कारी और अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं, सब कुछ इनके चेहरे पर दिखता है। हमारी बेटी ने कुछ सोच समझ कर ही इन्हें पसंद किया होगा ना, है ना दामाद जी? चोरी करना बहुत ही गलत बात है। चलो चलो, चल के आराम करो, आ जाओ। यहाँ से भागना ही बेहतर है, ये लोग दामाद दामाद कहकर मुझे यहीं पर दफना देंगे। राजवीर की बहुत याद आ रही है। वो कहाँ है? उसे तो मरे हुए 10 साल हो गए। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये तो जिंदा लोगों को मरा हुआ कहती है। ऊपर ना अंडरटेकर भैरव का श्राद्ध चल रहा है। हाँ, ऊपर श्राद्ध चल रहा है? हाँ। ये लोग कितनी बार श्राद्ध करेंगे उसका? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। इस राजवीर के घर चोरी करना मतलब अल्मोनियम की चीजों का भंडार मिलेगा। साइलेंस।
हाँ, ये क्या दिख रहा है? अबे कौन सा प्राणी है तू? मेरा नाम कन्हैया लाल है। यहाँ चोरी करने आया है क्या? क्या क्या लेकर जाएगा? मैं तो एल्युमिनियम की चीजें लेके जाऊंगा। ए, शिकार करना है तो शेर का कर चूहे का नहीं। जा मंदिर में जा, वहाँ पर तुझे बहुत से गहने मिलेंगे। बॉस, एल्युमिनियम की कीमत 200 से 300 रुपए है मार्केट में। बॉस, आप ही चोरी है ना? तुझे कैसे पता चला? बस, अगर आप चोर नहीं होते तो चोर चोर बोल के मुझे घर वालों के हाथों पिटवा देते ना। थैंक यू बॉस, थैंक यू, थैंक यू। ए, ये काली क्यों पोती है बे? बॉस, चोर हूं ना, कहीं शक्ल पहचान में न जाए इसलिए काली पोत के चोरी करता हूं। अबे, तू तो पहले से ही काला है। काली पोतने की जरूरत क्या है? बात तो सही है। ए, एक चोर को दूसरे को लूटना नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, तो ले तेरी अंगूठी। ये कब चुराया मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है? पहुँचने में आधा घंटा लगेगा बॉस। जल्दी जाने का कोई तरीका है ना बॉस? क्या है? ऐसे चोर 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 भाग भाग भाग। अरे अरे अर्जुन जी, माँ पापा, अरे अरे I'm so sorry, सॉरी। क्या हुआ बेटी? आपको लगी तो नहीं? क्या हो गया? चोर समझ के इनको गलती से मार दिया मैंने। किसी ने चोर चोर चिल्लाया तो मैं देखने आया और इन्होंने मेरे सिर पे मार डाला। अकल नहीं है क्या? चोर समझकर इन्हें मार दिया, अब इन्हें ऊपर ले जाकर सुला दो, कल अस्पताल ले जाएंगे। यहाँ पर कैसे आ गया? चलो ये देखो, शादी के बाद जो सेवा करनी होती है वो सेवा दामाद जी अभी से करवा रहे हैं। दामाद जी, आपको सिर पे चोट लगी, अच्छा हुआ। अगर उल्टा हाथ जख्मी हो जाता तो सोचो क्या करते, पिछवाड़ा धोना मुश्किल हो जाता। बस 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 बस, उतारो उतारो, यही डॉक्टर है सामने। हमारी फैमिली का हर रोग दूर करने की ठेकेदारी इन्हीं के पास है। डॉक्टर साहब, क्या चाहिए आपको? ये इंजेक्शन और मेडिसिन कहाँ मिलेगा? इंजेक्शन मेडिसिन? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तुम जाकर डॉक्टर को दिखाओ, मैं नहीं दिखा कर आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, आप में से पेशेंट कौन है? आप लोग बाहर जाइए, क्या हुआ आपको? सर, यहाँ थोड़ी लगी है, देखिए ना। यहाँ? तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अक्कल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास? हा? पता नहीं है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाई जाती है? सर फोड़ कर आ गए ना, बेचारी की लड़की कितनी परेशान हो रही है पता है? सरकार हमेशा कहती रहती है हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ और अपनी जान बचाओ, मगर ये लोग सुनते ही नहीं। हम मर्दों को कब हेलमेट पहनना चाहिए कब हेलमेट नहीं पहनना चाहिए ये बात अभी तक समझ नहीं पाए ना। ए हेलो, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाया कर, हमेशा सेफ रहोगे। ये भी सेफ रहेगी। ए, अर्जुन कहाँ गया? भाई इसे में है भाई। अंदर अंदर अर्जुन नहीं है, जाओ जाकर ढूंढो उसे, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। कहिए। डॉक्टर, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है क्या? कितने महीने हुए हैं? 3 महीने। बहुत थकावट होती है, कोई विटामिन की टैबलेट दे दे तो। नाम बोलिए। अर्जुन। आपका नहीं, आपकी पत्नी का। राधा। अभी लिख कर दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम उन्हें भी साथ लेकर आइए। हेलो, क्या हुआ? समझ में नहीं आता आखिर वो गया कहाँ होगा, बिना बताए चला गया। मिस्टर अर्जुन, आपकी पत्नी राधा प्रेग्नेंट है, आपने टैबलेट लिख कर देने के लिए कहा और प्रिस्क्रिप्शन भूल कर जा रहे हैं। ये लीजिए। थैंक यू। पत्नी का ख्याल रखिए। पत्नी प्रेग्नेंट है? हाँ, जमीन रजिस्टर होने से पहले ही उस पर हल चला दिया। चलो। ये तो छुपा रुस्तम निकला, मुझे लगा ही था। विघ्न विनाशक गणपति देवा, शादी से पहले ही फसल पैदा करने वाले की आरती उतारी जा रही है, ऐसे आदमी को तो जूते चप्पल से मारना चाहिए। हे भगवान, मुझे इन आँखों से क्या क्या देखना पड़ रहा है। आप मेरी आरती क्यों उतार रही हैं? अस्पताल से ठीक होकर आए हैं ना, इसलिए आरती उतारना बहुत जरूरी है ताकि आगे सब ठीक हो। ये लो। सॉरी, अंदर आओ बेटा। छे भाई। हाँ, ये बात अपने जीजा जी को बता दीजिए ना भाई। गुड न्यूज देने पर भी वो राक्षस थप्पड़ मारता रहता है, ये बात बता देंगे तो मार मार के सुझा देगा। चुप रहे। दामाद जी आ गए। अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा ठीक हो जाएगा। हमसे गलती हो गई बेटा, माफ कर देना। रात को चोर चोर चिल्लाने की वजह से मेरी बेटी ने तुम्हें चोर समझकर गलती से मार दिया। अस्पताल से आए हो, जाकर आराम करो। सच में मैं आपकी बेटी से जानता हूँ बेटा, उससे प्यार नहीं करते तो इतनी दूर क्यों आते। जाओ जाकर आराम करो। चलो बेटा आ जाओ।
जी मैं राधा को लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। और उस बच्चे का क्या? किसका बच्चा? बच्चा वो हमारी राधा चाहे जितनी बड़ी हो जाए हमारे लिए तो बच्ची। देखो बेटा मैं कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े दामाद जी कहकर गए थे कि जल्द आ जाऊंगा पर अभी तक वापस नहीं आए। ये बात उन्हें हमेशा खलती रहती है। इस बात को लेकर पूरा घर परेशान है और हमने हमारी छोटी बेटी राधा को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया है, इसीलिए उसके यहाँ वापस आने तक आप कहीं मत जाइए। हाँ ठीक है ना? बोलिए जाएंगे तो नहीं ना? इन्हें अंदर ले जाओ ना, जाओ चलो जाइए। लगता है हमारी बेटी का बर्ताव उन्हें पसंद नहीं आया, शायद इसीलिए उदास होकर वो हमें कड़ा लौटाने आ गए। दामाद जी सच में बहुत अच्छे हैं। उस दिन आपको पुलिस के साथ बात करते देख शायद उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। हो सकता है, अब ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। राधा के वापस आते ही उससे बात करके जल्द से जल्द दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ चलो। अर्जुन जी आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इट्स ओके। देखिए मेरे पिताजी ने मेरे पसंद के लड़के को ठुकरा कर दूसरे लड़के से मेरी शादी करवाई और वो लड़का इस गांव में नहीं रहता, मेरे साथ भी नहीं रहना कहकर छोटी सी बात को बड़ी बनाकर उस रात को ही घर छोड़कर चला गया। मेरी बहन की जिंदगी भी कहीं मेरी तरह ना हो जाए ये सोचकर आपको इस घर से नहीं जाने दे रही है। देखिए अर्जुन जी हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान हर किसी को किसी न किसी कर्ज से बांधता है। मैं कौन हूं, ये कौन है, मैं यहां क्यों आया हूं, सब किस जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी मान मर्यादा को त्यागने वाला पिता, अपनी बहन के फिक्र में इतनी परेशान होने वाली बहन, अपनी बेटी की जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए सोचकर डरने वाली माँ। ठीक है, जब तक राधा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां नहीं आ जाती मैं तब तक यहीं रहूंगा। ए चीटर, मेरे कार्ड क्यों देख रही है? मारूंगी एक। ठीक से खेल। ओहो, आप लोग यहाँ पर हैं, मैंने सारा घर छान मारा। अरे आप लोग पत्ते खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। चलो डालो 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 डालो। अरे ये क्या, मैं तो जीतने ही वाला था। डालो अंकल। राधा दीदी आपको कहाँ मिली? हम भी यही जानना चाहते हैं। हाँ दामाद जी बताइए कि आप मेरी बेटी से पहली बार कहाँ मिले? क्यों मिले? दामाद जी को मरे हुए तो 5 साल हो गए हैं। ए मुंह बंद करके बैठो अपना, ले जाए इसे अंदर। अरे बस 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 शांत। कौन से स्पॉट पर मिले? पहले आपने उसे प्रपोज किया या उसने आपको प्रपोज किया? बता बता। बताऊं, मैं बैंगलोर और मैसूर आया जाया करता था। बीच में रामनगर जेल के पास मैं इडली खाने गया तब। तुम हमेशा जेल के आसपास ही क्यों घूमते रहते हो? कभी गांधी पार्क, कभी बोरीवली गार्डन या फिर फॉरेन लोकेशन, ऐसी कोई जगह नहीं है क्या? इमेजिन करते हैं। हाँ चले। ओके, इंग्लैंड, लंदन। वो वहां से जब मेरी तरफ आ रही थी तब मैं यहाँ से स्लो मोशन में जा रहा था। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कब आई? फिल्मी लग रहा है सब कुछ। कंटिन्यू कर। कृष्णा रुक्मणी की जोड़ी कहते हैं ना, इन्हें देखकर ही कहना शुरू किया होगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कड़ा देने आया था। मुझे बताए बिना मेरे घर आ गए और सबने भी देख लिए, इडियट। अरे वो गाना नहीं था वो। पापा, दामाद जी पर चिल्ला रही हो? दामाद, ये कहे का दामाद? इतने दिनों बहुत खेल खेल लिया तुमने। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अपना मुंह बंद रखो, ये लड़का हमें बहुत पसंद है। वो इस घर के दामाद है बस। उनके घर वालों को बुलाओ, बात करेंगे, चलो। ये जो कह रहे वही कर। पापा, बेकार में मुझे फंसा कर रख दिया तूने। ऊपर से वो कर रहा है, जो करना था वो तो कर दिया, अब संत बन रहा है। सुनो, ये मैटर अब कैसे छुपाओगे? पैंट के अंदर के तिल को छुपाया जा सकता है पर मुंह के तिल को कैसे छुपाएंगे? मेरे चेहरे पर कोई तिल नजर नहीं आ रहा। चेहरा कहाँ नजर आ रहा है? ए, तुम क्यों उठी? नब्ज की आवाज सुनने जा रही। नब्ज की आवाज सुन रही हो? कान में चिल्लाओ तब भी सुनाई नहीं देता और उससे नब्ज की आवाज सुनाई दे रही है। चुपचाप बैठो। अरे पर बेटा, गाना चुप रहो, काट के रख दूंगा, बहुत परेशान करती है। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। दीदी वॉमिट कर रही थी। क्या उल्टी हुई? अब तो मर गए यार। उसे अस्पताल ले जाकर दिखाओ।
अस्पताल में? अरे इतनी सी बात के लिए अस्पताल क्या जाना, पित्त होने पर कभी कभार ऐसा हो जाता है। रात में ठीक से खाना नहीं खाया होगा, है ना बेटी? खाना तो खाया, खाया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सोने से भी ऐसा होता, उसे चुपचाप सुला देते तो ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो, ठीक से ना सोने से भी ऐसा होता है। अच्छे से सोई भी थी। क्या समस्या है? अरे कुछ ना करने से भी कभी कभी ऐसा होता है। ये सब छोड़ो, तुम उठो बेटा, ये ऑरेंज खा लो। अच्छा तो केला खा लो, केला ठंडा होता है। केले से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सर्दी लग गई तो नाक बहना शुरू हो जाएगी। चलो मेरे साथ, चलो उठो, हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। सच समझ बैठा है। ठीक है खाना परसो। क्या लगा रखा है तुमने, तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना तो मुझे लगा तुम एक डिसेंट घर की लड़की हो, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी सुनने को मिल रही है। 3-4 बार घर से भाग चुकी हो तुम। ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ? दामाद ससुर के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मजाक कर रहा था, फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम मुझे ट्रेन में मिली, मुझे कड़े के बारे में बताया, फिर तुम वहां से निकली, एक चोर आया और कड़े को लेकर ट्रेन से उतर गया। मैं कड़ा लाने उसके पीछे गया, उसे मारा और वापस आते समय मैं जोर से चिल्लाया तो तुमने कुछ और ही समझा और मेरे बैग को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर कड़ा हाथ में लेकर देखा, बेचारी लड़की को टेंशन होगा ये सोचकर तुम्हारे एड्रेस पर आया और यहाँ आकर मैं फंस गया। एक ऑरेंज का कर्ज चुकाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कड़ा देकर चले जाते ना, यहाँ रहने की क्या जरूरत है? क्या लड़की हो तुम, घर में कोई ऐसे कपड़े पहनकर घूमता है क्या? भागने के लिए मैं भी तैयार बैठा हूँ, उस दिन रात को भागने की कोशिश की पर मुझे पकड़कर यहाँ बैठा दिया। तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुम वो लड़का नहीं हो। मैं कहने जाता हूँ पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं दामाद नहीं हूँ ये बताने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर राधा के आने तक तुम यही रुकोगे ये कहकर रोक रखा। देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। हाँ चला जाऊंगा, किसी का लेक्चर सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे जाऊंगा, अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, जाओ यहाँ से, रुक जाओ। अरे अरे क्या करी, अरे सॉरी गलती से लग गया अर्जुन जी। कोई बात नहीं, मैं बीच में आ गया। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना बड़ी बात होती है। ये बेचारे तेरे लिए यहाँ पर आए हैं, और तो और घर वालों के रिक्वेस्ट पर ये यहाँ रुके हुए हैं, और तू इन्हें जाने के लिए कह रही है? छे, तुझे अपनी बहन कहते मुझे शर्म आ रही है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए। देखो प्यार की कीमत पहले पता नहीं चलती, जब खो देते हैं ना तब उसकी कीमत पता चलती है, इसलिए सुधर जाओ। अरे नहीं देखिए, दरअसल बात ये है, मुझे मत समझाइए। देखा, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे। ए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे। फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया और अब दीदी ने भी। प्लीज तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानती, मैं और प्रशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो तुमने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। देखो मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दो तुम। देखो प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हारे दूसरे कमिटमेंट्स को मैं देख लूंगी। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, प्लीज। मेरे कमिटमेंट्स को देखोगी ना? मैं ऑलरेडी 2 पैक ले चुका हूँ, तुम लेट क्यों हो गए? थोड़ा सा काम था। हो गया ना, अब लो जितना पीना है पियो। अब देखना इसका मजा। पानी डालू? मेरा तो हो गया, बस रहने दीजिए। हाँ हाँ पियो पियो। सर हाँ, मुझे आपको एक सच बताना है। बस एक सिप मारते ही सच बताना शुरू कर दिया, बता बता। मैं ना कई बार जेल जा चुका हूँ सर। ओ, तुम इसे जेल का ड्रेस समझते हो और इसे पहनते ही तुम्हें लगता है कि तुम जेल के कैदी हो? हाँ? अरे सर मैं सच कह रहा हूँ। हाँ? आपकी भांजी से मेरी इत्तेफाक से ट्रेन में मुलाकात हुई थी। हाँ? मुझे उस कड़े के बारे में बताया। कड़े को चुरा कर ले जा रहा था, मैंने उसे वापस लिया और यहाँ कर लौटा दिया। तो फिर ये 3 महीने कैसे हो गए? वो तो पता नहीं। बिना कुछ किए ही 3 महीने हो गए? सर मैं 30 साल का हुआ, ये कब पता नहीं चला, तो ये 3 महीना कैसे पता चलेगा? करेक्ट, इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये 40 साल का कैसे हुआ। क्या फायदा है, इतना सही है, क्या कर सकता है बेचारा, वेस्ट है। ये बताओ स्विच चालू किए बिना ही टीवी ऑन होता है? होता है सर। कहाँ? बाजू वाले के घर में। लगता है इसका पोस्टमार्टम करने से भी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। चांस ही नहीं है भाई। अरे इतनी तेज गाड़ी लेके कौन जा रहा है? नरसिंह नायक जेल से रिहा हो गया। नरसिंह नायक रिहा हो गया? फिर तो किसी की शामत ही आई है। Oh.
कौन है? हमारी राधा के होने वाले पति हैं, मेरे दामाद हैं। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? अड़ोस पड़ोस के गांव वालों को अन्न देने वाले अन्नदाता हैं। सब भगवान के आशीर्वाद से होता है, मैं कुछ नहीं हूँ। चलिए चलिए। हाँ हाँ, नमस्कार मालिक। हम आपके ही घर आने वाले थे मालिक, पर अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। हमारे बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना मालिक। अर्जुन नाम रखिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हमें आज्ञा दीजिए। खुश रहिए। नमस्ते ठाकुर जी। नमस्ते पंडित जी। हमारी बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिला है, इसीलिए हम भगवान के लिए मुकुट बनवा कर लाए हैं। हमने मन्नत मांगी थी, ये लीजिए चढ़ा दीजिए। ये हमारे दामाद हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। शुभ समय पर आप आए हैं, शुभ मुहूर्त में ही मुकुट धारण करने का कार्य आरंभ करेंगे। ठाकुर जी, आपकी छोटी बेटी राधा कहाँ है? यही तो थी अभी। राधा कहाँ होगी? वो कहाँ चली गई? मैं देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है। मालिक, ऊपर नरसिंह नायक हंगामा कर रहा है। गणपति मंदिर के पास घर वाले हैं, जाकर उनका ख्याल रखो। ठीक है मालिक। ये क्या? चलो चलो। पापा आ! ए, छोड़ दे मेरी बेटी को। ए राजवे, इन्हीं गांव वालों के सामने तूने मेरा अपमान किया था ना? राजवीर जी, हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। इतना समझाया फिर भी नहीं सुधरे ना? अब ये गांव वाले सुकून से जिएंगे। इसे ले जाकर अंदर कर दीजिए। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। ए राजवीर, मुझे जेल भिजवा रहा है ना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया। नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं गांव वालों के लिए तूने मुझे जेल भिजवाया था ना? आज सबके सामने तेरी बेटी से शादी करूंगा। आज से इस गांव का मैं नायक हूं, नरसिंह नायक। तेरे ये गांव वाले मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। आज के बाद इस गांव में मेरा राज होगा। जेल जाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? शेर, शेर, नहीं। शेर है तू? शेर है तू? शेर है हा? इस गांव में मैं ही एक शेर हूँ, ये नरसिंह नायक, समझ गया तू? पापा, तू शेर है? नहीं, मेमना है। ए पापी, छोड़ इस लड़की को। Let's go.
चल बैठ इधर। मंत्र पढ़ जल्दी। तदेव लक्ष्मी पते सुदिनम श्री लक्ष्मी नारायण नमस्तुते ओम मंगलम भगवान। जा रही है तू? वीर जी हमेशा से शेर हैं और शेर ही रहेंगे। ए, हमेशा लोग भगवान के आगे ही हाथ जोड़ते हैं, तो जैसे शैतान के आगे नहीं। अच्छा और नेक काम करने से ही मान मर्यादा इज्जत मिलती है, किसी लायक जगह पर बैठने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है और तू उसके लायक नहीं। ए, अब अगर राजवीर जी के रास्ते में आया ना यहां नजर मत आना, समझ गया? अच्छा भाग। कुत्ता कभी शेर नहीं बनता और शेर शेर ही रहता है। ये क्या, तुम जहाँ पर मुझे मिले थे वहीं पर छोड़ने आ गई? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए। देखो, अपनी माँ का कर्ज चुकाने वाले को बेटा कहते हैं, देश का कर्ज चुकाने वाले को देशभक्त कहते हैं, रोटी का कर्ज चुकाने वाले को इंसान कहते हैं। उस मंदिर में उस भगवान के आगे श्रद्धा और भक्ति से हाथ जोड़ते हैं ये पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता के आगे उन्हें इज्जत देकर पूरी भक्ति के साथ लोगों को हाथ जोड़ते देखा है मैंने। हजारों लोगों का पेट भरने वाले उस महान इंसान की इज्जत बचाना मेरा फर्ज था। you know, तुम्हारे इसी अंदाज ने मेरी पूरी फैमिली का दिल जीता है। पहले तो तुम उनके दामाद नहीं हो ये कहने पर भी नहीं माने, अब क्या मानेंगे? इसलिए अब तुम्हें ही हमें मिलाना होगा। जरूर मिलाऊंगा, लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं प्यार के खातिर, और मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? सच कहूं तो तुम्हारी फैमिली से मुझे प्यार हो गया है।
अगर एक और बेटी होती ना तो मैं पक्का उससे शादी कर लेता। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी चलो। हाँ? चलो। ये लड़की बिना ट्रेन के आते ही स्टेशन पर जैसे वड़ा पाव वाले चाय वाले भागते हैं ना, वैसे ही भाग रही है। ए हाय। हे राधा, हाय। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। मेरी माँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे रहने दो बेटी। हे, फाइनली वी मीट। हाँ। प्रशांत। हाँ। मैंने जिसके बारे में कहा था ना, ये वही अर्जुन है। She told me about you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रशांत। मुझे बहुत दुख हुआ। Sorry? मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? डैडी हमेशा फोन पे बिजी रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। श्योर। ए, 20 किलो मिठाई में 500 से ज्यादा एक भी ड्रॉप रोज वाटर की गिराई ना तो मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। सभी 20 ब्रांचेस में हमारी मिठाई एक जैसी होनी चाहिए। इसी में तेरी भलाई है और इसी में मेरी भलाई। चला फोन काट, चला फोन काट, चला फोन काट, चला फोन काट। सर, आप कोशिश करेंगे तो कट हो जाएगा। तो कट कर दो। कर दे। कहाँ है मेरी बहू? ओह, तो यहाँ है शर्मा एंड सन्स की इकलौती बहू। जरा इसे पकड़। ये लो बेटा, खाओ खाओ खाओ। अच्छा बेटा, तुम भी आ करो। अभी खाइए ना। नहीं खा सकता। मुझे शुगर है ना। क्या सर, पूरी दुनिया को स्वीट खिलाते हैं और आप ही को शुगर? देखना, किसी को स्वीट खाने से शुगर होती है और मुझे स्वीट बनाने से शुगर हो गई बेटा। अरे तुम किसे ढूंढ रहे हो? बाकी के लोग कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ रहे? सब के सब यही तो मौजूद हैं। वो शर्मा इंसान सुना था ना, इसीलिए बाकियों को ढूंढ रहा है। अरे मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। कोई और ब्रांच ओपन किया है क्या आपने सर? शादी के वक्त जोश में था तो उस वक्त शर्मा एंड सन्स नाम रजिस्टर तो करवा दिया, फिर बैक पेन हुआ और कमर ने साथ नहीं दिया तो सब बंद कर दिया। जोश अभी अलग था। अरे अपना जोश बचा है ना, आग है और ना ही पानी। पापा अब चलो। चलो ना, चलो 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 चलो। मेरी बहू सच में कितनी प्यारी, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही दोनों की। सर, स्वीट बनाने वाले इंसान का मन भी बहुत स्वीट होता है, ये बात सच है ना? हाँ बेटा, ये तो सच है। सर, आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ क्या सर? क्या बेटा? सर, मैं एक अनाथ हूँ सर। मेरे माँ बाप कोई नहीं है। सर, आपका ये जो शर्मा एंड सन्स है ना सर, उसमें सिर्फ एक ही बेटा है, तो सन्स दूसरा बेटा मैं बन सकता हूँ सर, मुझे बनाइए ना प्लीज। बस इतनी सी बात है। क्या मैं आपको डैडी बुला सकता हूँ? वैसे तू है कौन? मैं ना राजबीर जी का बड़ा दामाद हूँ सर। बड़ा दामाद है? मेरा बेटा छोटा दामाद है। तो हुआ तू शर्मा एंड सन्स। डैडी बुलाया कर मुझे। डैडी बुलाऊं क्या? हाँ बुला। डैडी चले क्या? आ, चल बेटा। चलिए डैडी। डैडी। वाओ, ब्यूटीफुल हाउस। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है राधा। थैंक यू। प्लीज अब तुम ही मैनेज करना। मैं देख लूंगा। तेरी तो किस्मत खुल गई। राधा। आइए आइए। मामा जी, मेरी फैमिली आ गई। ये मेरे मामा जी हैं। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अरे क्या इतने बड़े बाल रखे? आई चिकू। और आपने खुद को देखा है कभी? फिर भी आपका सुंदर बेटा है ना? कौन है ये लोग? सर, अंकल, मम्मी, डैडी। ये क्या, ये अचानक इस तरह यहाँ? सर, वो सरप्राइज देना था ना। जरा बताएंगे इनकी उम्र कितनी? 40 साल। ओ। नमस्ते समधी जी। लीजिए ये। हाँ लाइए दीजिए। राधा के पिताजी यहाँ हैं। वो तो राधा के मामा है। आइए आइए आइए। ए लाओ इधर, लाओ वापस। वैसे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। चलता हूँ। सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, समधी जी आए हैं। देखिए बुरा मत मानिए, आपने सिर्फ हाथ दिया, 50 लाख कैश तो नहीं दिया ना। जाइए। चालू है तू? चलो आ जाओ आ जाओ। चलो इसकी बात में मत आओ। अरे वारे वारे वारे, बहुत ही बड़ा परिवार है सर आपका। और हमारा, हम दो और हमारा एक। एक ही बेटा है? मतलब दोनों बेटों का एक समान ही ख्याल रखा है। वैसे आप करते क्या हैं? बहन जी हमारी स्वीट्स की दुकानें हैं, 20 सेंटर हैं और सबका एक ही वारिस है। एक ही? क्या है, दोनों बेटों का एक समान ख्याल रखते हैं ना, इसलिए कितनी अच्छी सोच है। इनके 20 सेंट्रल स्वीट्स की दुकानों में, यानी कि हमारे, किसी भी दुकान में टेस्ट चेंज नहीं होता। रोज वाटर का एक भी ड्रॉप कम ज्यादा नहीं होता, इतना परफेक्शन है हमारा। ठीक है, और सिर्फ 4 लोग ही क्यों आए हैं? नहीं, हम तो सिर्फ 3 ही है। क्या क्या 3 ही लोग? अरे मतलब 3+1 कितना होता है? 3+1 4। 4 बाद में ये 3 आए ना। चलो अब बताओ कितने हुए? हाँ बराबर। अरे बताओ अब 4 हुए ना, है ना डैडी? 100% करेक्ट है सर। मेरे पैदा होते मेरी माँ चल बसी सर,
और अब एक साल पहले मेरे बाबा सुबह सुबह गाय का दूध दूने गए थे सर, लेकिन वहाँ पर भैंसे ने लात मारी और मर गए। बेचारा, कितना बुरा लगता है, इंसानों को कैसे कैसे मौत आती है। देखो भैंसे को लात मारने से ही मर गया, मतलब सोचो कितनी अजीब बात है। सर शायद आपने ठीक से क्या नहीं सुना, वो गए थे गाय का दूध दूहने, हाँ तो भैंसा कैसे लात मार सकता है, उसने भैंसे को दबोच लिया। दादी बैंक में पैसे जमा किए थे वो विड्रॉ किया क्या? टीपू सुल्तान को देखकर लोगों को क्या अच्छा लगता है ये तो नहीं पता, लेकिन शिवाजी महाराज के किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये तो पक्का है। ठीक है दादी, एक और बात, वैसे कड़ा तो महाराजाओं की शान होती है, लेकिन सभी कड़ा वाले महाराज नहीं होते। मैं फोन करता हूं, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी। ब्रदर, बॉस का नाम लिया क्या ब्रदर? मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह वेरी गुड ब्रदर। कड़ा है, ससुर जी को देने जा रहा हूँ। अरे निकालो निकालो निकालो, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं किसी ने नहीं। अरे ये कोई खिलौना नहीं है ब्रदर, चने हुए है। इसे ना शुभ समय शुभ मुहूर्त सब कुछ देख कर डालना चाहिए। अगर पता चल गया कि राहु काल में ये पहना है तो ससुर जी तुम्हारा कचुंबर बना देंगे। सॉरी आप प्लीज उन्हें मत बताना। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगा, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, इस घर का बड़ा दामाद। ठीक है, उन्हें मत बताना, मैं ऊपर जाऊं। अरे यार ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, इस चिरकुट को राधा ने पसंद कर लिया। ये क्या सॉल्व करूंगा बोलकर और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया तुमने, अब क्या करेंगे? सो जाते हैं। अरे खाना खाकर सो जाएंगे, ये कह रहा हूँ, स्टार्ट किया है तो एंड भी कर ही दूंगा, सबर रखो ना। बैठिए डैडी, आप यहाँ बैठिए। भोजन की व्यवस्था तो बड़ी भारी की गई है और शर्मा एंड सन्स की स्वीट्स भी मौजूद है यहाँ पर, रोज वाटर तो पक्का होगा इसमें, कितने सारे आइटम्स हैं जी। बस इन्हें दो, इन्हें दो और लीजिए ना। पापा मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे अच्छे से दो ना। ए बेटा आप और लीजिए ना। मेरे बेटे को कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है? मुसीबत नहीं आनी चाहिए इसलिए। ओ ऐसी बात है। हाँ। दीजिए ना आंटी, ब्रदर को भी दीजिए। अरे दामाद जी के लिए स्वीट लेके आओ ना। अरे बेवकूफ जरा कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारी फैमिली की नजर में मैं दामाद हूँ, लेकिन असल में तुम्हारी शर्मा जी के बेटे प्रशांत से शादी होने वाली है, समझी? सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी इस घर के दामाद तुम ही हो सोचकर मैं कंफ्यूज होती हूँ। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, ससुर जी का घर है, आराम से खा ले, पानी पी। जरा वो बड़ा ये पापा। अरे इतना सारा नहीं, नहीं, बड़े दामाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बड़े दामाद से नहीं, छोटे दामाद से। पर छोटा दामाद तो ये है ना, ये इनके लिए छोटा है और मैं बड़ा हूँ। ये इनकी मतलब इसकी सिस्टर सिस्टर इन लॉ है, ये इसकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, दादी इन लॉ है। ब्रदर बैगन का भरता खिलाइए ना। अभी दीदी खिलाइए खिलाइए। अरे बहन जी बस बस, कितना खिलाएंगे आप, रात को ये ठीक से सो नहीं पाएंगे। ये क्या ज्यादा खाने और रात को सोने के बीच में क्या संबंध हो सकता है? मैं बॉम्ब एक्सपर्ट हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। शर्मा जी मैं दामाद जी से हमेशा कहता था अपने माँ बाबूजी को लेकर आना, पर ये सुनते ही नहीं थे, और आज आप खुद ही आ गए, आश्चर्य की बात है। अब ये क्या है? ए, लड़की के घर वालों ने हमें देखा ही नहीं है, उन्हें जाके सरप्राइज देंगे कहा था, पर ये क्या है? सरप्राइज अंकल, क्या आप इससे कभी मिले नहीं ना? नहीं मिला, यही तो सरप्राइज है। मिले नहीं इसीलिए सरप्राइज हुआ, और अगर मिलते तो सरप्राइज कैसे होता? भूल भुलैया फिल्म में विद्या बालन के अंदर मांजोलिका की आत्मा घुसती है तो ऑडियंस के लिए तो फुल सरप्राइज हो जाता है ना, और सरप्राइज भी है। पानी दो, देख क्या रहे हो? अरे आराम से पानी पानी पानी। बेटा अर्जुन, बड़े दामाद का तो पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन छोटे दामाद को तो कांटे की नजर से भी नहीं देख रही। मुसीबत नहीं आनी चाहिए इसीलिए। अरे किस मुसीबत की बात कर रहे हो? श्राद्ध का खाना बहुत अच्छा है। ये श्राद्ध का भोजन है क्या? डैडी नहीं नहीं, इन्हें भूलने की आदत है इसीलिए ये ऐसा कह रही है। आप डालिए ना, डालिए डालिए। ये क्या भाई, जैसे किसी भिखारी को लात मारकर घर से बाहर भगा देते हैं, उसी तरह आपको भी इन लोगों ने घर से बाहर भगा दिया है। क्या करें यार, तू साथ में बैठेगा तो कोई खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए मुझे बाहर भगा दिया। देखना यार मैं इतना गंदा दिखता हूँ क्या? इसलिए तो भाई मैं भी आपसे दूर दूर रहता हूँ। आइए कितना गुणी है तुम्हारा पति, और तुम भी कितने भाग्यवान, तुम्हारे कितने बच्चे हैं बेटी? क्या बोल रही है, बैट्समैन ने क्रीज पे पांव नहीं रखा और पूछना शुरू कर दिया कि स्कोर कितना हुआ। बच्चे अभी तक तो उनका नामो निशान भी नहीं है। ए, कल के दुश्मन कोई ऐसे कहता है क्या? औरतें अपना फिगर मेंटेन करने के लिए फैमिली प्लानिंग करती, कुछ पता है तुझे? प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है, ये सब उस भगवान का किया धरा है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना
तो मैं उसकी टांगे पकड़कर चीर डालूंगा। किसे चीरोगे? दामाद जी आइए, दामाद जी पान खाइए, अभी देता हूं। बोल बच्चन, ए हाँ वो सामने दिखा तो उसे सी डालूंगा बोला, और अब ये सामने दिखा तो नौटंकी शुरू कर दी तूने। क्या हुआ? अरे बेटा उस लड़की से मैंने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, तो ये मुझे अनाप शनाप कहने लग गया। इंडियंस को गाली देता है। मैंने इंडियंस को कब गाली दी? मैंने सिर्फ दामाद जी को बुरा कहा। वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, ये भी इंडियन है। बोलो भारत माता की जय। इंडियन को गाली देता इस देश में रहता है और इस देश से गद्दारी करता है। चलिए डैडी, अगर मारपीट करने का इतना ही शौक है तो खुद को मारो ना, मुझे इतना मारने की क्या जरूरत है। वैसे ये इंडियन कौन है? शर्मा जी मान गए, मर्द पैदा किया आपने, आपका बेटा असली मर्द है। मैं तो समझ रहा था कि मैंने निकम्मा बेटा पैदा किया है, लेकिन इसकी पत्नी ने मेरी मदद की थी। पिछले हफ्ते आपका बेटा लड़ा नहीं होता ना, तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ओ, आपका बेटा फाइटर है। ओ ऐसा क्या, वो फाइटिंग भी करता है? वैसे सत्यप्रकाश की दुकान में जो नुकसान हो गया तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे पता चला कि वो वहाँ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं गया था, तो ये बात उसने मुझे बताई क्यों नहीं? बतानी चाहिए थी ना, इसको भी नहीं बताई। क्या सर नाराज है क्या? तुमने मारा इसके लिए कोई दुख नहीं है, पर क्यों मारा ये अभी तक समझ में नहीं आया। तब मूड हो रहा था। राजवीर जी कल के दिन के अलावा एक महीने तक अच्छा टाइम नहीं है, इस शुभ कार्य के लिए कल का दिन ही सबसे अच्छा होगा। सुनिए जी कह दीजिए ना। ठीक है कल ही हम ये शुभ कार्य संपन्न कर देते हैं। देखिए हमें तो इसमें कोई एतराज है नहीं, लेकिन एक बार बेटे से पूछ ले तो। ठीक है बेटा। तेरा बाप बुला रहा है, जा। तेरा बाप बुला रहा है। रुक मैं भी आया, कभी ना कभी तो इसे नॉकआउट करके रहूंगा। क्या डैडी? क्या डैडी? मंगनी रखी है कल ही, तो ओके है ना? ओके ओके ओके। अच्छा परिवार है ना, दोनों भाइयों के दो जिस्म होने के बाद भी एक ही जान है। ठीक है ठीक है। ससुर जी चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। पंडित जी आपका फोन नंबर मिलेगा? हाँ हाँ, फोन नंबर क्यों, बिजनेस कार्ड ही रख लीजिए। तो यहाँ कब आ रहा है? बहुत टेंशन चल रही है दादी, सुबह फोन करूंगा। क्या बस मजे में? क्या रे तू ऐसे बैठा है जैसे तेरी बाप की जागीर हो। हाँ, अपने बाप की जागीर नहीं है तभी तो चोरी करता हूँ। एक भी चीज अल्मीनियम नहीं है, स्टील है, प्लास्टिक है, वेस्ट वेस्ट सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। मेरे कितने दिन अल्मीनियम के पीछे पड़ा रहेगा, सोने के पीछे जाना। बस अल्मीनियम चुराने में ही पैर कांपते, सोना क्या खाक चुराऊंगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। हरे कृष्णा हरे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे गोविंदा। ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। बस मैं तुझे 5 किलो एल्यूमिनियम का पैसा दूंगा तो तू मेरा एक काम करेगा क्या? बस क्या करना है बस बता। अभी तक वो आया नहीं, टेंशन हो रही है। बॉस मैं आ गया बॉस। हे इधर ठीक है, नीचे कर नीचे कर। अबे फिर कालिक लगा के आ गया तू? वो क्या है ना बॉस, आदत हो गई है, बबूत लगाने की जगह कालिक लगा दी बॉस। अच्छा चल। जी पंडित जी आ गए क्या? आ गए। कहाँ है? गोपाल जी नहीं आए क्या? जी गोपाल जी के किसी रिश्तेदार के घर किसी की मृत्यु हुई है, इसीलिए उन्होंने नारायण जी को भेजा। इसने मुंह क्यों काला किया? ये किसी होम में गए थे, माथे पर विभूति थी ना, इसीलिए पूर्णाहुति के बाद तिलक यहाँ पर लगा कर आ गए। ठीक है आइए 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 आइए। चल चल। सारी तैयारियां हो गई है। अक्षित इतना बस हो गया ना? ठीक है ठीक है। नमस्कार समधी जी। नमस्ते जी। आ गए क्या? आ गए ना। ओ ये पंडित कम पाखंडी ज्यादा लग रहा है मुझे। वो गोपाल जी गांव में नहीं है ना, इसलिए अपने शिष्य को भेजा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप सबको बुला लीजिए। अभी बुलाता हूं। आप आइए। अरे डैडी आइए ना आइए ना। क्या हुआ? नमस्ते। अरे आइए 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 पंडित जी, पंडित जी उधर आइए, आपको वहां बैठना एक बात बताओ, ये इस वक्त अपने बेटे की मंगनी करवा रहे हैं या कोई सम्मान समारोह करवा रहे हैं? ये सब लोग स्कूल के बच्चों की तरह नजर आ रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? सुनो जी हाँ? लड़का लड़की ने माला पहनी ये तो समझ में आया, पर दूसरे लोग माला पहनकर क्यों आ रहे हैं? अरे
वो इसलिए क्योंकि हमारे दामाद जी सिर्फ राधा को ही नहीं पूरी फैमिली को पसंद करते हैं। किसी की नजर ना लगे। सही कहा, हम वाकई खुशनसीब हैं। अरे यहाँ 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 बैठो। हाँ तुम यहाँ, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठिए, यहाँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हेलो, ये क्या कर रहे तुम? मुझे वहाँ बैठना चाहिए ना। ये परंपरा है ना, बड़ा दामाद छोटे दामाद की सहायता करता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कैसी लग रही है जोड़ियाँ? ए ड्रैकुला, उनसे बोल कि जरा ठीक से बैठे। ठीक ही तो बैठे, उनसे कहो कि साथ साथ बैठे। साथ साथ बैठा ना, ठीक है बैठा क्या। ओ, जल्दी। अरे उससे जरा बच के रहना, उसने कुछ किया तो नहीं ना। अरे उठो बेटी, उठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अब ओके है ना। ए, अरे दोनों को साथ साथ बिठाओ ना। दोनों बहनों को साथ में ही बिठाया है ना। अरे ये क्या हो रहा है। संधि जी, आपकी बेटी को मेरे साथ बिठाने को बोलो ना। लड़की राइट है ना? लड़की राइट है, रॉन्ग नहीं है। समझी जी, उसे राइट साइड में बैठने को। लेफ्ट में। लेफ्ट में? लेकिन मेरी लेफ्ट में कि आपकी लेफ्ट में? अरे ये है यहाँ, यहाँ बैठो। यहाँ मंगनी हो रही है, सर्कस पता नहीं। नहीं ये सही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। राइट साइड में होना चाहिए ना। हाँ हो रहा, हो रहा, हो रहा है। ठीक है। सब लोग हाथ जोड़िए। किसके आगे? एक दूसरे के। ओम गणेशाय नमः। हमार काम होखला तक हमरा संभलाय नमः। डर के मारे हमार फट रहल बा नमः। सामने एक भूत भी बैठल बा नमः। ये हम कहा आगे फंस गनी नमः। ये कैसा मंत्र पढ़ रहे हैं आप? ये ना कन्हैया जी के शिष्य हैं। जो भी मंत्र पढ़ते हैं भोजपुरी में ही पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। ओम नमो नमाय नमः। जय भारत माता, वंदे मातरम नमः। ये किसे भेज दिया? ये कौन सा पंडित है? बड़े पंडित जी नहीं आ पा रहे इसलिए शिष्य को भेजा। लेकिन ऐसे लोगों को बुलाने से सारे कार्यक्रम बेकार हो जाता है ना। बात तो सही है। अब क्या करें नमः? टिक 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 आए नमः। हमारी समस्या दूर हो जाए नमः। सब ठीक हो जाए नमः। मंत्र का पढ़ू कुछ समझ में नहीं आ रहा है नमः। कार्यक्रम संपन्न होते ही दो मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। ओ पंडित जी, अंगूठियां पहनाइए। अंगूठी की रस्म शुरू करो भाई। अब टाइम हो गया क्या? 12 बजे। नहीं हो सकता, टेंशन काल शुरू हो गया। टेंशन काल? इनका मतलब है राहु काल शुरू हो गया। हाँ, अब कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है नमः। अब पूजा का जितना भी सामग्री है, साड़ी है, अल्युमिनियम का सब चीज जल्दी से बांध के दे दीजिए नमः। अल्युमिनियम की चीजें किस लिए? लगता है पद्धति में कोई बदलाव आया है। ये लीजिए, ये अक्षत सबको दे दीजिए। अब सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो नमाय नमः। तो बोलो श्री राधे श्याम जी की जय हो। समधि जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। चार दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अब क्या करें, सारा व्यापार भी तो संभालना है ना। अगर मैं नहीं रहूंगा तो रोज ऑर्डर के एक बूथ भी ज्यादा डाल दी तो सब बिगड़ जाएगा ना। वैसे शादी में अच्छे पंडित को बुलाएगा। चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलें चलें तो फिर जी। नमस्कार। नमस्कार, तो चलें। ठीक है माँ जी, मिलते फोन कर देंगे। चलिए चलता हूँ, चलता हूँ, चलता हूँ राधा। बहुत अच्छा। सब आराम से क्यों बैठे हो? बहुत बड़ी बात, मंदिर चलना है, भूल गए क्या? चलो चलो आप जल्दी। नमस्ते अंकल। आप आ गए? क्या हुआ दामाद जी, वापस आ गए? वो डैडी ने कहा ना कि आपके घर में कोई लड़का नहीं है, उनके आने तक मैं यही रहकर सारा काम देखूं, इसीलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, अभी चलिए। और दादी? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही रहेंगे। तो ठीक है अंकल, आप जाकर आइए, मैं यही रहकर दादी का ख्याल रखूंगा। ठीक है। मंदिर क्यों नहीं गए? थैंक यू, घर में दादी अकेली थी ना, इसीलिए नहीं गया। उनकी याददाश्त कमजोर है, हम जो भी कहते हैं उन्हें याद नहीं रहता। देखो
हम जो भी कहें या करें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, पर उन्होंने जो भी किया वो हमें याद रखना चाहिए। कोई भी काम कोई हमें याद करे उस नियत से करना सेवा नहीं कहलाएगा, वो काम कहलाएगा। अर्जुन, अर्जुन, उफ, पैक को तो देखो कैसा खुला छोड़ दिया। जेल से रिहाई का नोटिस। क्या शाम भाई, सुबह सुबह ही शुरू हो गए? अरे सुबह सुबह कोई शुरू करता है क्या, रात को शुरू की थी, अभी तक खत्म ही नहीं हुई। सब एक नंबर के पियक्कड़, घर में कोई पूछने वाला नहीं है? कोई होता तो इतना पीते ही क्यों? तुम पियोगे क्या? मिले तो कौन मना करेगा, वही पड़ी है, ले लो ले लो, पियो पियो, मजा आएगा। वैसे किस खुशी में पी रहे हो भाई? अपने माथुर जी की औरत मर गई। माथुर भाई हौसला रखिए, शांत हो जाइए। मैं नहीं हूँ भाई, माथुर ये है। इनकी बीवी मरी और आप? माथुर भाई शांत हो जाइए, कब हुआ ये? 20 साल हो गए। 20 साल? बहुत जल्दी चली गई वो। तब से हम लोग ऐसे ही पी-पी के जी रहे हैं। अर्जुन, ए अर्जुन, हाँ चलो मेरे साथ चलो। ये क्या है? मिल गया क्या? तो तुम सच्चे हो या बुरे हो? बुरा हूँ। सच सच बताओ, क्या काम करते हो तुम और तुम कहाँ से आए हो? इसमें सब लिखा तो है, मैं जेल से आया हूँ, मैं चोर हूँ। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये सब पहले पता होता तो तुमसे कभी दोस्ती नहीं करती। क्यों कर रही हो ये सब, सच बताओ, बताओ। तुम्हें पता है क्या ज्यादा झूठ बोलने वाली जगह कौन सी है? पुलिस स्टेशन। पुलिस का इतना मार खाकर भी लोग झूठ बोलते हैं। ज्यादा सच बोलने वाली जगह कौन सी है पता है? बार, जब हाथ में शराब का ग्लास हो। तुम्हारे घर वालों को सच्चाई बताने की कितनी कोशिश की पर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, तो क्या करता? इस दुनिया में हर किसी में एक चोर और एक भिखारी छुपा होता है। मैंने पेट के लिए चोरी की और तुमने अपने प्यार, अपने प्रेमी के खातिर चोरी की। अगर सच कहूं तो तुम मुझसे भी बहुत बड़ी चोर निकले, क्योंकि तुम भरोसा करने वाले अपने अपनों के साथ धोखा किया। क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला? अरे सभी सावित्री की तरह क्यों पूछ रही हो? मैं चोर हूं ये बात मैंने छुपाई नहीं, बताया तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए ये झूठ बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए मैंने हजारों झूठ बोले। और तो और, मेरे साथ मिलकर तुमने भी तो कितने झूठ बोले, और अब तुम सच्चाई की देवी बन रही हो। इसी हाथ से मुझे तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी, अगर ये पता होता तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी ट्रेन में नहीं खींचता। अच्छा होता अगर तुम मुझे ट्रेन में ये ना बताती कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। उस चोर ने वो कड़ा नहीं चुराया होता तो अच्छा होता, आकर उस कड़े को वापस न लाया होता तो अच्छा होता।
या फिर वो कड़ा लेकर मैं चुपचाप अपने रास्ते निकल गया होता तो अच्छा होता। अपनी किस्मत ही खराब है, हमेशा एंगेज्ड हुई लड़की से ही मुझे प्यार हो जाता है। इंटरनेट पर बस टिकट हो, मूवी की टिकट हो, ट्रक, साइकिल, सब बुक हो जाता है, लेकिन इन लड़कियों के दिल को बुक करने वाला ऐप किसी ने भी नहीं खोजा। जिसने उन्हें बनाया वो भगवान भी कंफ्यूज है। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सच बताओ। उससे भी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया लगता है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ही पिला दिया ना, सिर घुमा। चलो 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 अर्जुन। अर्जुन संभल कर। बोलो ना। नहीं रुको, मैं ड्राइव करूंगी। तुम आगे बैठ जाओ ना। नहीं, जब लड़की गाड़ी चलाए तो पीकर उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीने के बाद नींद आती है, नींद आने के बाद आपके कंधों पर सिर रखकर सोना, आपका मुझे हटाना, कंधे पर सिर रखना, फिर उसे हटाना, फिर बाद में कुछ होना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बेकार में बात बढ़ाने से अच्छा है तुम गाड़ी स्टार्ट करो, चलो ड्रिंक एंड ड्राइव। ए, कौन है वो? भाई वो चोर है, उसके साथ ये भी जेल में थे। जो मैं कहूंगा बस वही करना। ओके बॉस। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो घर में बंधी हुई बकरी की तरह रहती थी वो अचानक ऐसे झूम रही है जैसे इसे भगवान मिल गया हो, पालकी लेकर आया है। कौन सा भगवान है? कौन सा भगवान है सर? भगवान नहीं है, बड़े दामाद है। अच्छा, रुक्मणी जी के पति आ गए। रुक्मणी का पति आ गया। रुक्मणी जी के पति आ गए, घर के बड़े दामाद आ गए। जीजू रुक्मणी का पति आ गया है। रुक्मिणी अंदर क्यों चली गई? पता नहीं, शर्मा गई होगी, बहुत दिनों बाद आया। दामाद जी, दामाद जी, वेलकम। दुबई से आप हमसे मिलने के लिए आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। खुदा हाफिज। दुबई से आप एक ऊंट लेकर आ जाते ना तो नेक्स्ट WWF फाइट में जीत जाता। खैर कोई बात नहीं, कम से कम घोड़े पर तो आना। डोली के साथ आया, इतना ही बहुत है। ख्याल रखना। हाँ, आ जाइए आ जाइए, आपके आने की खुशी में। राधा 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 राधा, राधा। कैसी हो राधा? ठीक। हेलो। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। इतना सोना क्यों पहन रखा है? बताता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल गोल्डन स्टार हूँ। सुना है कि कोई मेरा नाम रख करके कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, उसे घर लेकर आना। मिलूंगा। ओके राधा, वेयर इज माई बुलबुल? इन साइड। ओके, आई विल मीट हर देयर। ओ मेरी बुलबुल, मेरी जान। शुक्र है शर्मा जी के जाने के बाद आए, वरना वाट लग जाती हमारी। हे भगवान। क्या? अब क्या करेंगे? तुम प्रशांत को संभालो, मैं बाकियों को संभालता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या अरेंजमेंट किया है, क्या घर से लाए तुम्हारे ससुर जी ने। बड़े दामाद जी आए हैं दुबई से, क्या कहा? किधर? दादी आप कब आए? अरे बेटा ये बता, तेरे ससुर जी की कितनी लड़कियां की वो उनका सामूहिक विवाह करवा रहे हैं? वो ना इसकी बात कर रहा था, इस दामाद की बात कर रहा था। और जो गया वो उनका अचानक बेटा क्यों? अच्छा अच्छा, तो मतलब उनकी सिर्फ दो बेटियां हैं ना? मेरे ससुर जी के अंदर ना देशभक्ति बहुत ज्यादा है, देश की खातिर मेहनत करने की बजाय बाहर गांव जाकर मेहनत करता है ना, इसीलिए उसका जिक्र ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, ऐसे बेटे को तो शूट कर देना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो,
आ भाई। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती मैंने आपको समधी जी, समधी जी नमस्कार। नमस्ते समधी जी, आपके बेटे के यहाँ कदम पड़ते ही सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये क्या जी, सबसे बाहर खड़े रहकर ही बात करेंगे क्या? इन्हें अंदर तो आने को कहिए। आइए आइए, चलो चलो, आइए आइए, आ भाई। आओ जानू, तुम कहाँ थी? तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, तो उस पर आए देश में उठ कर दूध पी पी कर बोर हो गया। अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई लव यू जानू, आई लव यू। कौन हो तुम भाई? मेरी राधा से एंगेजमेंट हुई है। तो फिर राधा से गले मिलो, मुझसे गले क्यों मिल रहे हो भाई? ब्रदर, इस घर में ना एक स्पेशल होम चल रहा है। मेरी शादी होने तक कोई भी किसी से गले नहीं मिलेगा, और अगर वो गले मिलता है तो पावर चली जाएगी। मैं किसी से भी गले मिलूं, मेरे पावर को कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हूँ पावर स्टार। गोल्डन स्टार से पावर स्टार बन गया, अब क्या करूं? ए, बताना तू क्या पी रहा है? भाई लंबा होने के लिए कॉम्प्लेन पी रहा हूँ। भगवान कहीं तुझे लंबा बनाने का प्लान नहीं था, तो कॉम्प्लेन से क्या लंबा होगा? आप रोज रात को हमारे साथ बैठकर पीते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चला कि आप रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। मैं सच कहता हूँ, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता। सर, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं शर्मा जी का बेटा नहीं हूँ। फिर से मजाक शुरू। राधा का असली लवर जो है वो शर्मा जी का बेटा प्रशांत है, मैं नहीं हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। पिया हुआ हूँ पर सब समझ में आ रहा है। आप किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते, और वो दरबान कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारी राधा उससे क्या प्यार करेगी? फर्स्ट हाफ से ही आप यही कहानी सुना रहे हैं। राधा कहती है कि मैं सच क्यों नहीं कहता। पानी खत्म हो गया? बस कॉम्प्लेन डालू क्या? ए, वही पीपी के दूध नाटा हो गया, अभी पानी लेकर आता हूँ। हाँ दादी। क्या कर रहे हो बेटा? खाना खा रहा हूँ दादी। तू यहाँ कब आ रहा है? गणेश चतुर्थी पर आएगा ऐसा कहा था तूने, कम से कम दिवाली पे तो आ जा। दादी सो जा मेरे राजकुमार, रात हो गई। वहाँ देखो बॉस, शुक्र है कोई नहीं है। दामाद जी का भाई है, इसकी तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो अभी पार्टी कर रहा होगा। अरे बॉस छोड़ दो, यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, शेर का खाना चूहा खा रहा है यार। बॉस गुड नाइट कहने के लिए गया होगा। ए, गुड नाइट कहने के लिए इतना छुप छुप के क्यों जा रहा है? वॉचमैन घर के बाहर पहरा देता है, रूम में जाकर नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, चलो देखते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर है, एक नंबर के लिए भी कितनी दूर जाना पड़ता है। दिन भर दौड़ दौड़ कर पूरा पता नकल गया है, अब उसके साथ कुश्ती करके मस्त वार्म अप हो जाऊंगा, दिल को ठंडक मिलेगी। मेरी जान, इतनी रात को अपने बहन के कमरे में क्यों गया ये? हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक नंबर भी तो जोर से आ रही, पर ये सीन भी तो मिस नहीं कर सकता ना मैं। अरे क्या करूं मैं अब। एक घूंसा दूंगा ना मैं, क्या पागलपन है ये। दारू पेट में डालने के बजाय बालों में चोटी बांध कर घूम रहा तू। देख लूंगी मैं, ढीला हो गया मैं। ए ड्रैकुला, बालों में घंटी बांध कर आया कर तू, आवाज करते आना चाहिए हमेशा। आवाज करके आता तो इज्जत का कचरा नहीं हो जाता? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इतनी रात को एक भाई बहन के कमरे में आखिर कर क्या रहा है? ए, वो कोई भाई बहन नहीं है, है? देवर भाभी हैं वो लोग। अबे पीने के बाद कुछ भी अनाप शराब मत बक, वो दोनों बहन भाई है ना। देवर भाभी हैं वो लोग। वो दोनों बहन भाई है। देवर भाभी है, बहन भाई है, कह रहा हूँ ना। पागल हो गया क्या? देवर भाभी है कह रहा हूँ ना, फिर वही बात कर। hey, तेरा दिमाग खराब हो गया, वो बहन भाई है। hey, मुझे नहीं तुझे चढ़ी है। ये सब चल रहा है। वो बहन भाई है, तुम उसे मैं बाद में फोन करता हूं। भाभी है वो लोग, ज्यादा बोलेगा गला दबा दूंगा। सीधी तरह मान जा कि वो बहन भाई है। बोला ना डार्लिंग, तेरे प्यारे हम तो दीवाने हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। ये सब क्या है जी? आई लव यू डार्लिंग। अगर वो देवर भाभी साबित हुए तो तू मेरी टांगों के नीचे से निकल। हाँ, और अगर वो बहन भाई साबित हुए तो मैं तुझे अपनी लुंगी के अंदर बांध के रखूंगा। हाँ तो ठीक है, चल। हाँ या, चल, हाँ, चल, हाँ, देखते, चल, चल। अरे अरे, अरे इधर क्या कर रहा है? अरे चल ना। अरे वो लोग यहाँ पर हैं। अरे इसके अंदर है वो। ए, वो लोग यहाँ पर है। अरे बोल तो रहा हूँ, वो इसके अंदर है। अगर वो वहाँ हुए तो अपना जूता तुम्हारे सिर पे मारूंगा, और अगर वो यहाँ हुए तो मैं तुझे अपनी चप्पल से मारूंगा।
क्या आदमी है यार। अच्छा ठीक है, चल आजा दिखाता हूँ। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। चुप, देख हाथ। हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया जानू, उसे हटाकर प्यार कर ले जानू। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, आ जाओ। कैसा आदमी है तू, जब भी मैं अपनी पत्नी से गले लगता हूँ तू बीच में क्यों आ जाता है भाई? बताया ना ब्रदर, होम के कारण। अरे होम होम बोल के तू मुझे कोमा में मत भेज दे भाई। दरवाजा खोलो। सब बाहर जमा हो गए, अगर आपको यहाँ देखा तो आपको शूट कर देंगे। जाइए जाइए, खिड़की से दूसरे रूम में जाइए, जाइए जल्दी, जाइए जाइए। भाई तुम्हें मेरी पत्नी के साथ देखकर उन्हें डाउट तो नहीं होगा ना? मैं मैनेज कर लूंगा। किसको? उन्हें मैनेज कर लूंगा, ये कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, दुबई में दूसरी औरत को देख भी लिया ना तो काट देते हैं, यहाँ तो मैं अपनी औरत को छू रहा हूँ तब भी क्यों काट रहे हो तुम लोग? अरे बाप रे, जाता हूँ। इनविटेशन कार्ड कहाँ है? तुम वहाँ जाओ। देखा ना, कंफ्यूजन हो गया है बेटा। तुम इस रूप में क्या कर रहे हो? इनविटेशन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये देखने आया था। इतनी देर से तो मेरे साथ बैठकर दारू पी रहे थे, अचानक ये कहाँ से याद आ गया? ये बता, तुझे चढ़ी है या मुझे? अरे शादी के कार्ड में अगर एक भी अक्षर गलत प्रिंट हो जाता ना तो लोग उसे अनाड़ी समझते हैं। तू पढ़ बेटा पढ़। ए, तू तो बाप के नाम पे कलंक है यार। अरे बाप रे, क्या बकवास कर रहा है तू? यहाँ बड़ा बेटा अपनी साली के साथ लगा है और वहाँ छोटा बेटा अपनी भाभी के साथ लगा हुआ है। बकवास की जा रहा है, मुझे ठीक से एक नंबर भी नहीं करने दिया इसने, कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था ये। और थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है? अब बस हो गया, हो गया, हो गया, ओके। मैंने दुनिया में बहुत सारे पागल देखे मगर इस जैसा पागल कहीं नहीं देखा। ये पूरे रिश्ते की अंदर एडल्ट सीन चल रहा है, देखो कितना गंदा काम कर रहे हैं वो लोग। चलो देखो देखो क्या हो रहा है वहाँ। ए, क्या हो गया? तुम बिल्कुल मत जाना, चलो झुक जाओ, अब अच्छा लगेगा। 1 2 3 झुक रहो, झुक रहो, झुको 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 झुको। ए छोड़, मैं जाऊंगा मेरी बात मान जाओ। कौन है तू? वहां मत जाना। अरे तू हटना, ये बिल्कुल नहीं। देख लिया ना, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है इतनी सी बात के लिए। ये ले दूध। हाँ राधा, यहाँ पकड़ कर थोड़ा झुका कर। तुम क्या कर रहे हो? शाबाश बेटा, शाबाश। नहीं नहीं, तरीके आजमा रहा है तू, बाप का रिकॉर्ड तोड़ेगा ना। शादी से पहले मैंने जो ट्राई किया था वो भी टूट रहे कर रहा है बाबा। अरे वाह शाबाश। ये शाबाश शाबाश क्या कर रहा है? तेरी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? बाप वो होता है जो बच्चों को समझा बुझा कर सही रास्ते पर लेकर आए। मैंने तुम्हारे जैसा बाप कभी नहीं देखा। ए, लड़के लड़की की सेटिंग तो बहुत देखी है पर तूने तो दो मर्दों की सेटिंग करवा दी, क्या आदमी है? ए, मेरे डैडी से ऐसे बात करता है तेरी तो? ये शोर कैसा हो रहा है? अच्छा एक तो जमाना ही नहीं है। समझे जी, हम पूछते थे कि भैया अंदर करेंगे बाहर? डैडी आप जरा इधर आइए। क्या राधा, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? सबकी जुबान पर बस अर्जुन अर्जुन और अर्जुन ही नाम है। तुम सब मेरा बहुत ही अपमान कर रहे हो। अच्छा जिस घर में दो डॉगी हो वहाँ पर एक डॉगी को बिस्किट ज्यादा डालने से दूसरा डॉगी बर्दाश्त नहीं करता, और मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? तुम सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे प्यार से कीचड़ में गिरने का होगी तो चलेगा, लेकिन धक्का दोगी तो कैसे चलेगा? प्रशांत सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज नाराज मत होना। ठीक है, देखो ऐसी बचकानी हरकत छोड़ने के लिए कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे माँ पापा को इस तरह का बिहेवियर पसंद ही नहीं आता। पर मेरा बिहेवियर देखकर ही तो तुमने मुझे पसंद किया था। लुक राधा, प्यार करते वक्त सिर्फ हम थे, शादी के बाद सब लोग होंगे, समझ गई ना? उन सब के खातिर तुम्हें बदलना होगा। यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। ए, सच सच बता, वो अर्जुन कौन है? है क्या हो रहा है इस घर में? तो मैं क्या करूं मामा, एक झूठ से कहानी शुरू हुई तो दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं प्रशांत से प्यार करती हूँ, अर्जुन से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। और मेरे घर लौटने तक पूरी कहानी बदल गई। अरे मम्मी, जब भी वो मेरे साथ पीने के लिए बैठा हमेशा सच बोलता रहा, मैंने ही उस पर यकीन नहीं किया। ये न्यूज चैनल वाले एक ही बात को दोहराते रहते हैं ना, वैसे ये भी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा, मैंने सोचा।
यार चिंटू, ये अर्जुन तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ भाई, जब से यहाँ आया है सबके चेहरे पर हंसी रहती है। सही है भाई, एक वही है जो इस घर का दामाद बनने लायक है। हाँ भाई, हमारी राधा की शादी उसी से होनी चाहिए। और भाई, शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है, कैसे होगा भाई? ए, कहते शादी कराने के लिए हजारों झूठ बोल सकते हैं, मैं तो एक ही झूठ बोलकर इस शादी को तोड़वा दूंगा। सही है भाई। ए, थू, अरे रोज वाटर की एक भी बूंद ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। ऐसे में एक लोटा ज्यादा डाल दिया तुम लोगों ने, अब दुकान बंद करवा के रहोगे क्या? हाँ, क्या कर रहे हो? नमस्ते। नमस्ते। मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। सीरियस बात? yes. और तुम करोगे? हाँ। तो पहले जाके कहीं एडमिट हो जाओ ना। सीरियस बात करनी है बोला ना, मजाक मत कीजिए। अच्छा अच्छा बोलो। लड़की का कैरेक्टर ठीक है ना? शादी के बाद सब सही हो जाएगा ना, छोड़ो ना, सुधर जाएगी। समझने की कोशिश करो, शादी से पहले कितने लड़कों के साथ घूम रही है, शादी के बाद आपके बेटे को छोड़कर किसी के साथ भागेगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हाँ? हमारे परिवार के बारे में फिक्र करने के लिए आपको मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आजकल के जमाने में केबल के बगैर चलने वाली टीवी और बिना प्यार हुई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें और अच्छी तरह समझाता हूँ। मोबाइल में नेटवर्क होता है पर उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। देखो, उस लड़की से मेरा बेटा प्यार करता है, इसलिए वो ही मेरी बहू बनेगी। तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं तो तुम्हें डरपोक और काय समझता था, तो मुझे माफ कर देना और ये ड्रैकुला का गेटअप छोड़कर कटिंग करवा कर थोड़े से डिसेंट हो जाओ ना, फिर मैं तुम्हें रोज वाटर की एक बोतल फ्री में दे दूंगा। चलता हूँ, चलो अपना ख्याल रखना। जिसे मैं पट्टी पढ़ाने आया था मुझे ही पट्टी पढ़ाकर चला गया, बहुत चालाक है ये। क्या हुआ सर, इतने शांत क्यों है? तो और क्या करूं, तुमने कितनी बार सच कहा पर मैं नहीं माना। सर, कल रात सिचुएशन का डिमांड था इसीलिए मारा, नाराज मत होइए, फिर ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं। क्या सर, आप भी उस शेर और चूहे की कहानी में उस छोटे से चूहे की बात पर वो बब्बर शेर भी यकीन कर लेता है पर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सामने बैठी पब्लिक को ये पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर सबको उल्लू बनाने का, इसीलिए तुम पे यकीन नहीं किया, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम कितने नेक और सच्चे इंसान हो। अच्छा, तुम ही हमारे दामाद हो बस। छोड़िए ना सर, घर वालों के राजी होने से क्या होगा, लड़की को भी तो राजी होना चाहिए ना। कुछ भी बोलकर मेरा दिल मत दुखाइए, चुप रहिए। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। तुम दोनों की जोड़ी अगर जम गई ना तो ऐसा लगेगा जैसे शाहरुख खान, सनी लियोनी, इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत, जॉन इब्राहिम, बिपाशा बसु। अरे सर, क्या कर रहे हैं सर, अपने घर की लड़की को गर्ल से जोड़ रहे हैं। सॉरी, मुझे जो पसंद है उनसे मैच करने लगा था। जोड़ी ऐसी होगी जैसे शाहरुख खान काजोल, सलमान खान ऐश्वर्या, रणवीर दीपिका, अर्जुन राधा राधा। राधा को मैं प्यार करता हूँ ये बात बता दूँ क्या? छे, उसकी शादी होने वाली है, ये बताना गलत होगा, फिर भी बता दूँ क्या? अर्जुन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा, राधा, हाँ, जल्दी यहाँ आओ बेटी, जल्दी बताओ। जल्दी आओ। कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है ना, यही पूछने के लिए बुलाया था। राधा, जल्दी आओ बेटी। अरे जाओ ना, माँ बुला रही है। आ जाओ। क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ? राधा, जिन्हें हमने सालों से संभाल कर रखा था वो पुश्तैनी जेवर अब नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या कह रही हो? हाँ बेटी, तुमने कहीं देखे हैं क्या? नहीं। हे भगवान, कल ही शादी है और ये जेवर भी गायब हो गए हैं। तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर अच्छे से देख। मैं जरा नीचे जाकर तेरे बाबूजी से ये बात करती हूँ, वो तो सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। हे भगवान। समझी जी, इस घर की कॉफी बहुत ही लाजवाब है और इस औरत को ऐसी कॉफी बनानी नहीं आती। पत्नी को भी कहाँ आती है, ये कॉफी मेरी पत्नी ने नहीं काम वाले भाई ने बनाई है। सुनिए जी, सुनिए जी, हमारे वो पुश्तैनी जेवर कहीं नजर नहीं आ रहे। ये क्या बोल रही हो आप, ये कौन सा तरीका है? तुम्हें थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है, तुमने कहीं रखी होगी, ढूंढो उसे। देखो ना, कहीं नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया है। फिर कहाँ गए? मुझे नहीं पता। ये क्या कर रहा है तू? कोई अपनी बहन से ऐसे पेश आता है क्या? तू वैसी दरिंदा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, हटाओ इसे, हटाओ। हेलो, ये कितना गंदा है। वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बीवी है। तेरी बीवी है? अगर वो इसकी बीवी है तो फिर ये कौन है? क्या हुआ? ये बताओ ये कौन है? राधा का होने वाला पति। राधा का होने वाला पति? ए बेटा, यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा?
तो ये बताओ ये कौन है? आपको नहीं पता है क्या? अरे ये मेरा बेटा है, राधा का पति है ये। ये कौन है? रुक्मणी का पति है। और मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता है क्या? अरे क्यों बना रहा है, तू इनका बड़ा बेटा है ना। मैं इनका बेटा हूँ, मतलब रुक्मणी का भाई हूँ मैं। इसका मतलब मैं अपनी बीवी का ही भाई हो गया है। ये मेरा बेटा नहीं है। ये आपका बेटा नहीं है? नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया। बहन जी आप इनकी दूसरी पत्नी हैं या तीसरी पत्नी हैं? सुनिए, ये मेरी पहली पत्नी है। ओ अच्छा, तो फिर ये दूसरी पत्नी का बेटा होगा। अरे, मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई है, ये बड़े दामाद जी हैं। ये बड़ा दामाद है? ए अर्जुन जरा समझा अपने बाप को। डैडी, अरे छोड़ो भी, ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही डैडी बुलाता है, ये मेरा बेटा नहीं है। अगर बाप है ही नहीं तो तुम्हें डैडी क्यों बुलाता है? अरे ये मेरा प्यारा बच्चा है, डैडी डैडी कोई बोलता है तो सुनने में अच्छा लगता है ना। डैडी क्या डैडी? चुप कर बेटा। हेलो हेलो हेलो, आप इसे बेटा कह रहे हैं और ये आपको डैडी कह रहा है? मैंने उसे बेटा कहा, लेकिन कब कहा? अरे यार ये कौन है? मेरे पापा हैं। अरे बाप रे, जरा इसे ठीक से पूछो किसका बेटा है। अरे, अरे कैसी बातें करते हैं? तो फिर जोर से बोलो ना। ये मेरे पापा हैं। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है। ए, कौन है तू? एक मिनट, ये देखिए पता चल जाएगा, गहने गुम नहीं हुए, चोरी हुए हैं। औजा सामने। भगवान के दिए जलाओ जल्दी से, दही चावल कहाँ रखे, मुझे बहुत भूख लगी है। अब पता चला इस सारे फसाद की जड़ कौन है। प्रशांत आपका बेटा है। हाँ? और ये जेल से आया है, चोर है। ए, सच बता। हाँ वो सब मैं बताता हूँ, कब से बताना चाह रहा था मगर आप लोगों ने बताने नहीं दिया। इतने दिन सबको धोखा दिया और अब चोरी भी की। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पापा। हाँ? इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे कहा था। सुनिए जी। सर सर सर, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अब शादी की तैयारी कीजिए, मैं जेवर लेकर आता हूं। अर्जुन, कहाँ है तू? नमस्कार बॉस। सुन, हाँ? इस गांव में, हाँ? किसी नए चोर को तूने आते हुए देखा है क्या? हाँ? अरे बॉस बताना ही भूल गया, दो चार दिनों से तीन चार लड़के राजवीर जी के घर के आसपास घूम रहे थे, मुझे डाउट हुआ बॉस तो मैंने शूट कर लिया मोबाइल में, ये देखिए। देखो बॉस, ये लोग बड़े चोर है, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है बॉस, सच कह रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे ये? बता शादी में टोटल खर्च कितना आता है? ये मुझे पता होता तो मैं चोर क्यों बनता भाई, जो भी पूछना है सीधे पूछो ना भाई। ए, एक लड़की को तरीके से पाल पोस कर बड़ा करके उसकी शादी करवाना कितना मुश्किल होता है। हाँ भाई, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है ऐसा। फिल्मों में देखा पर फिर भी नहीं समझा। अरे बाप रे, नहीं किसी भी शुभ काम में बाधा डालना मगर मेरी शादी के बारे में सोचना तक नहीं, क्योंकि वो एक माता पिता का सपना है, उनके मान मर्यादा की बात है। ये बता इस बार मुंबई इंडियंस मैच क्यों आ रही? भाई उसका इस बात से आखिर क्या संबंध है? यही तो, दुश्मनी तुम लोगों के और मेरे बीच है, तो तुम लोगों ने उस घर में अपनी टांग क्यों घुसाई? अगर तुम लोग मुझे दोबारा दिखे ना, वहीं पे तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। चल निकलो निकलो।
नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। इस फालतू आदमी से सोने जैसी राधा की शादी करने चले हो? हमारे राधा को अर्जुन के साथ मिलाने के लिए हमारे अर्जुन का नाम इसकी जगह लिखना पड़ेगा। लाना होगा। गोल्डन स्टार जैसे हमारे प्यारे लड़के अर्जुन को छोड़कर किसी फालतू जंपिंग स्टार से राधा की शादी क्यों हो रही है? एकदम सड़ा बैगन लगता है। देखता हूँ मैं शादी कैसे होती है। नहीं होने देंगे। अंदर ऐसा बम फोड़ेंगे कि सब बैठे बैठे ही फट जाएंगे। पता नहीं क्यों यार, लेकिन जीजू को हमेशा ऐसे फालतू दामाद ही मिलते हैं। तुम्हें छोड़कर स्वागत है सबका। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, ऑल ऑडियंस टर्न दिस साइड प्लीज। सब इधर घूमिए। पड़ोसियों के घर से साड़ी, घाघरा, ज्वेलरी, नेकलेस और कंगन, ये सब कुछ हमने उधार लिया। और हमारे पतियों ने ये दिया वो दिया कह के चिल्लाने वाली ऑल आंटीज। साइड प्लीज। 10 रुपीज डालूं क्या? 20 रुपीज डालूंगा सोचकर अब तक कंफ्यूजन में रहने वाले अंकल लोग। बड़े घर की शादी है, बहुत अच्छा मजेदार खाना पका होगा। पूरी फैमिली के साथ मुफ्त खाने के लिए दबाकर ठूसने के लिए आई हुई मुफ्त खोर फैमिली, यहाँ सब बदमाश है। ए राजवीर, सिर्फ बड़ा घर होना काफी नहीं होता, मन भी बड़ा होना चाहिए। इधर ही देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं। अरे देखने दे, वो कौन सा बहुत महान आदमी है, गांव वालों का जमीन दान करता है और अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुला हुआ है, चांडाल है। निकालो इन्हें यहाँ से। और तुम लोग ज्यादा चिंदीगिरी मत करना, खाना होने के बाद सब एक नारियल। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते। राजवीर जी की बेटी की शादी यही हो रही है क्या? हाँ, जाइए। हमारा अर्जुन हमें बताए बिना शादी कर रहा है और हम उसे बताए बिना उसकी शादी में आ गए। कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। चलते हैं। नमस्ते। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। समय हो गया है, वर को यहाँ पर बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम सुंदरिका च, मंगलाय तनोहरि। संदीप जी, सरप्राइज। पिछली बार मैंने सारी तैयारियां की थी और तूने बर्बाद किया था। तूने तैयारी की है और मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ शादी नहीं हो सकती इसकी। ए, तेरे सामने और यहाँ आए हुए सब लोगों के सामने मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। अरे कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? ये इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत मत उछालो यार, इनकी शादी हो जाए, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं ना आराम से। यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है क्या? मेरे बेटा। ए राजवीर, इस बार तेरी बेटी की शादी मेरे साथ ही होकर रहेगी, समझ गया ना? आज तेरी गलती की सजा तुझे मिलकर रहेगी। हे, ये गांव वाले तेरी बेटी को बचाएंगे क्या? हाँ, यहाँ तो सब चुप है। ए, कौन है जो इसकी बेटी को बचाएगा? तू? ध्यान से मेरी बात सुन, हम दोनों दामाद हैं, तू भी अकेला, मैं भी अकेला, फिर ये पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। अगर इस समय अर्जुन यहाँ पे होता ना तो तुम सब भीगी बिल्ली बने होते। मुझे डर लग रहा है। अर्जुन, अर्जुन, ए, ले क्या उस अर्जुन को? अर्जुन, 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 हाँ, देखो क्या हाल किया है मैंने अर्जुन का। ए, उस दिन इसने सबको बचाया था, आज कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहो इससे, कहो। ए राजवीर, आके बोल इससे कि तुझे बचाए। मैं इससे कभी मदद की भीख नहीं मांगूंगा, ये धोखेबाज है, चोर है ये, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं इससे मदद नहीं मांगूंगा। बस बहुत हो गया, तुम इसे धोखेबाज कह रहे हो?
ये चोरी करता था ये सच है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए करता था। चार लोगों को लूटने वाले को चोर कहते हैं, उनकी खातिर लूट जाने वाले को नहीं। क्या कहा, ये धोखेबाज है। ए, इसके भरोसे हजारों बच्चे अनाथ आश्रम में जी रहे हैं, पता है क्या? अंकल 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 देखिए, आपकी दी हुई ड्रेस मैंने पहनी है। अंकल आंखें खोलिए ना, अंकल अंकल लूटिए ना, अंकल 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 लूट जाइए ना। ए पापी, ए लूटिए ना अंकल, अंकल अंकल प्लीज बचा लो अंकल, अंकल अंकल उठो अंकल, उठा अपने अंकल को, उठो उठो बोल के उठा इसे, छोड़ उसे। अरे पापी छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे, बोल अपने अंकल को सबको बचाने के लिए, बोल ना, बोल, छोड़ दे, बोल बोल, अर्जुन बेटा उठ जा, छोड़ दे। अंकल, इसे कहते हैं धोबी पछा। विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर, आपकी बेटी ने प्रशांत और उसे मिलाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो
वो फिर से घर छोड़कर भाग जाती। फिर से आप लोगों के चेहरे पर हंसी ना चली जाए ये सोचकर मैं मान गया सर। मैंने इनकी शादी का प्लान बनाया और भगवान ने मेरी जिंदगी बिगाड़ने का। भूख क्या होती है इस चीज से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं सर, लेकिन भूख लगने पर सैकड़ों हाथ मदद के लिए उठते हैं, यह आपके घर में आने के बाद ही पता चला। ऊपर वाले ने मुझसे क्या छीना है ये यहां आने से पहले पता नहीं था, इस परिवार से मिलने के बाद पता चला कि उसने मुझसे मेरे परिवार को छीना है। थैंक यू सर, इतने दिन आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुमने गलत किया है, गलत किया ये सोचने के बजाय तुमने गलत क्यों किया। अगर इसके बारे में एक बार भी सोचता तो मुझसे ये गलती कभी नहीं होती। अगर तुम यहां कुछ लूटने के लिए आए होते तो इतने दिनों तक इंतजार नहीं करते, कब का लूट कर भाग जाते। ये छोटी सी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। सर सर सर, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसे हाथ मत छोड़िए। अरे नहीं बेटा, हम तो जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे हाथ। ये सोना है, खरा सोना है ये। आइए, मुहूर्त का समय हो गया, चलिए आइए आइए जल्दी जल्दी। मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वधर्मला पहनाइए। अर्जुन, अर्जुन बेटा मत जा। रुक जा बेटा, कहाँ जा रही हो राधा? राधा, पापा, अर्जुन I love you, अर्जुन। I love you। पापा मुझे राधा चाहिए, कम से कम वो कड़ा तो दिलवा दीजिए। तेरी तो अब भी अक्कल नहीं आई। इधर तुम, इधर अब सिर्फ मिठाइयां बांटेंगे। दामाद जी, मेरी बेटी राधा अब आगे से आपकी जिम्मेदारी है। आप तो खुश है ना अर्जुन? अर्जुन कांग्रेचुलेशन, चलो इस खुशी में डांस करते माँ। वहाँ देखो पापा, वहाँ देखो पापा। चुप रहना बेटा, यहाँ जो हो रहा है वो होने दे। हेलो, क्या नसीब है जो यहाँ दूल्हा बनने आया था, आज वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहा है। डालो डालो ये मुँह में डालो। ए तो चुप कर, जब मुँह खोता तब बलूसीत बोलता। सुनना, मैं तुझे बहुत सारे पेड़ दूंगा, वो खा मिठाई की दुकान। अरे जाने दे यार। अरे तो सही बोलेगा, यहाँ तेरी तरह कितनी सॉरी ऑडियंस है। देखो जिस तरह से तुम्हारी लवर ने किसी और से शादी की, उसी तरह से किसी और की लवर तुम्हारे साथ शादी करेगी। फालतू की टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा के देता हूँ।